ठीक है, वॉइस, स्क्रीन, कैमरा क्लियर है? जी बेहतरीन हो गया। तो जनाब सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू दिस पोस्ट रिजल्ट एनालिसिस डिस्कशन गाइडेंस सेशन। और आज के इस सेशन में हम लोगों ने काफी ज्यादा दिल की बातें करनी है। दुख जितना आप सबको है उतना ही मुझे भी है। इवन दो कि आप में से कुछ मेरे अपने जाती स्टूडेंट्स होंगे, कुछ नहीं होंगे, या किसी ने किसी भी तरह से कभी रابطہ रखने की कोशिश की होगी या कुछ भी है, इस वक्त मेरे लिए आप सब बराबर। और ये सेशन के अंदर हम लोगों ने आज दिल खोल के अपनी गलतियां तस्लीम करनी है कि हम लोग क्यों फेल होते हैं। ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट है कि व्हाई वी आर फेलिंग इन आईक्यू, कहाँ पे फ्लॉ रह रहा है, कहाँ पे मसला रह रहा है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी शेयर करनी है जो कि अगर हम लोग थोड़ा सा इस्तेमाल करें तो हम अगली दफा पास हो सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स आपके ऊपर काफी ज्यादा एतबार, भरोसा, इनहिसार करके बैठे। तो सबसे पहले गुजारिश है आपसे वो ये है कि आप लोग ये सेशन तसल्ली से सुनिए। आपके बहुत सारे सवाल जो आपके आपके माइंड में होंगे वो इस सेशन में आंसर हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन, कोई एम्बिग्विटी रह जाता है तो आप सेशन के एंड के ऊपर वन बाय वन मुझे इसी क्वेश्चंस के टैब में बताइएगा और मैं उसको आंसर कर दूंगा। तो ये सेशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आखिरी बच्चे का आखिरी सवाल भी रिजॉल्व ना हो जाए। फिर इसमें दूसरा ये है कि आप लोग दिल खोल के मुझे चैट लिख सकते हैं, क्योंकि ये चैट मेरे अलावा कोई और पार्टिसिपेंट नहीं पढ़ सकता। तो आपका जो प्रॉब्लम है, जो मसला है, जो बात करनी है, जो कमेंट देना है, जो फीडबैक देना है, आप दिल खोल के लिखें। मेरे अलावा इस वक्त आपकी चैट कोई नहीं पढ़ रहा, तो देयर इज अ लेवल ऑफ सीक्रेसी मेंटेन। जी एक स्टूडेंट ने कहा सर पिंकी प्रॉमिस, तो भाई पिंकी प्रॉमिस, यू कैन टाइप एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। अगर आपको स्टिल डाउट हो आप नाम चेंज कर दें, आप एक्स वाई जी कर दें, या आप ओ डब्ल्यू लिख दें, मतलब तो कुछ भी, आपको तो पता है कि आप कौन। फिर दूसरी चीज ये है कि जिस तरह के मैंने आपको अभी बताया कि सेशन एंड में अपने सवाल लेकर आइएगा। अब मैं ये देख रहा हूं कि एकदम से सवाल आने स्टार्ट हो गए सेशन। अब भी मैंने बोला है कि भाई थोड़ा सा वेट करें, सेशन को पहले पूरा सुन लें, आपके सारे मसले रिजॉल्व हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, उसके बाद क्वेश्चन, ये रिक्वायरमेंट थी। मगर आपने एकदम से चार पांच बच्चों ने अपने सवाल भेज दिए, लंबे लंबे सवाल। तो आपके सवाल आंसर होंगे इस सेशन के एंड के ऊपर, तो रिक्वायरमेंट का काइंडली ख्याल रखिएगा। तो शुरू करते हैं कहानी को। पोस्ट रिजल्ट सेशन, पोस्ट रिजल्ट गाइडेंस बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अक्सर बच्चे अपने फेलियर को फेलियर मानते ही नहीं, वो सारा ब्लेम, सारा कसूर इदारे पे डाल देते हैं कि जी इदारे ने पास नहीं किया, इदारा हमारे खिलाफ काम, इदारा हमसे बस रेवेन्यू ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये चीज गलत है। सबसे पहले तो आपको इस फ्रेम ऑफ माइंड से बाहर आना पड़ेगा कि इट इज नॉट द आई कैप हु इज फेलिंग, इट इज यू, योर सेल्फ इज लैकिंग बिहाइंड।
अभी नीचे कुछ टाइम पहले बहुत सारे बच्चों के साथ मैं डिस्कस कर रहा था, तो एक भाई मेरे पास आए, उन्होंने कहा, नाम तो खैर मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगा, उन्होंने मुझे कहा कि सर मेरा R1 और लॉ का पेपर पास नहीं, तो मार्क्स आए थे भाई के 34 और एक में 30। मैंने उनसे तीन सवाल पूछे, मैंने उनसे कहा कि भाई आपने क्या स्टैंडर्ड्स के सवालों को लिख के प्रैक्टिस किया था? He said no. मैंने कहा भाई पास्ट पेपर्स लिखे थे? He said no. मैंने कहा भाई कोई टेस्ट, कोई मॉक, कोई सवाल अटेम्प्ट किया था? He said no. मैंने कहा भाई फिर किया क्या था? तो उन्होंने कहा सर वो जो एग्जांपल्स क्लास में होती थी बस वो एग्जांपल सॉल्व की थी, कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में था, बस मैं फिर पेपर देने चला गया। इसी तरह उनसे मैंने पूछा बीलॉ के बारे में, तो बीलॉ में ही वॉज लाइक सर वो मुझे यही नहीं पता था कि क्रैमिंग कहाँ से आनी है और लॉजिक कहाँ से आनी है। तो अनफॉर्चुनेटली हम स्टूडेंट्स का ये एक डायलमा है, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट टू से कि हम स्टूडेंट्स का एक डायलमा है कि हम लोगों को यही नहीं पता कि हम क्यों फेल हो रहे हैं, आईकैप की एक्सपेक्टेशंस क्या है और आप उसको क्या दे रहे हैं। ये जो एक्सपेक्टेशन गैप डेवलप हुआ है इसको ओवरकम करने की जरूरत है, इस ब्रिज को पार करने की जरूरत है, तब जाके ये पेपर आपके पास होंगे। बेशक वो 40s में फेल हुए हैं, वो 30s में फेल हुए हैं। तो इस सेशन में मेरा हरगिज टारगेट आपको डीमोटिवेट करना नहीं है, इस सेशन में आपको मोटिवेट करना है, मगर आपकी गलतियों को बता बता के और आपसे ये वादा लेके आइंदा आप ये गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि इसका नुकसान सिर्फ आपको नहीं है, इसका नुकसान आपके पेरेंट्स को भी भुगतना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज दे आर द मेन इन्वेस्टर्स इन यू गाइस। तो सर आज का एजेंडा क्या है उस पर जाने से पहले जरा आईकैप के कुछ स्टैट्स देख लेते हैं। सबसे जो खतरनाक अलार्मिंग स्टैट्स मुझे नजर आ रहे हैं वो R1 के हैं, वाहिद ऐसे स्टैट्स जो कि 20s में है, 27.7%, टैक्स 34.6%, कॉस्ट 40, बीलॉ 34 राउंड अबाउट, FR2 46, MFA में आधे से ज्यादा बच्चा पास कर दिया है क्या? कंपनी लॉ 47, ऑडिट भी अच्छा गया है 35 के ऊपर, FAR1 हर एक के लिए इस वक्त सर दर्द बना हुआ है, उसकी बहुत सारी रीजन है। नंबर 1, वी डोंट प्लान आवर पेपर। नंबर 2, वी डोंट प्रैक्टिस मच। हम लोग आखिरी महीने में बस लेक्चर सुन के, फास्ट पेस के ऊपर रिकॉर्डिंग सुन के, क्वेश्चंस को सॉल्व करके चले जाते हैं। दिस इज नॉट द वे। कंपेयर योरसेल्फ विद सम अदर पर्सन जिसने 6 महीने पढ़ा हुआ फिर जाके उसने पास किया। इसी तरह अगर मैं थोड़ा सा इसमें मजीद ड्रिल डाउन करूं तो वो पेपर ज्यादा अच्छे रिजल्ट शो कर रहे हैं जो कि आगे जाके शायद न्यू स्कीम में प्लस माइनस या मर्ज हो सके। हर वो न्यू स्कीम क्या है उसके ऊपर हम लोग बाद में जाएंगे। तो ये इस वक्त एक ओवरऑल स्टैट, सबसे ज्यादा बच्चे अपीयर भी FAR1 में हुए हैं और सबसे ज्यादा फेलियर भी हमें वहीं पर देखने को मिल रहा है। तो जो बच्चे पास हो गए हैं FAR1 के अंदर वो खुश हो सकते हैं, जो फेल हुए हैं, जो 40s में फेल हुए हैं, मेरी हमदर्दी आपके साथ है, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करें, लाजमी अटेम्प्ट करें और आप पास करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये मेरी आपको दिल से दुआ है, हर बच्चे के लिए दुआ है, चाहे वो टैक्स वाला हो, चाहे वो कॉस्ट हो, बी लॉ हो, R2 हो, MFA हो, सी लॉ हो, ऑडिट हो, हम नहीं चाहते कि आपका फेलियर आए। यकीन मानिए मुझे दुख होता है, मुझे रिसेंटली आई एम इन शॉक, आई एम इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि यार बच्चा फेल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए फेल। आप लोग क्यों फेल होते हैं? जब आप लोग तैयारी करते हैं, जब आप लोग टीचर की बात मानते हैं, सुनते हैं, तो क्यों फेल हो? मगर मसला ये है कि आपको लगता है कि आप ये सारे काम करते हैं, आप असल में इनमें से कुछ नहीं करते। आपको लगता है, एकदम से आपको फील आएगी कि हाँ यार मैंने तो टेस्ट भी दिए थे, दो टेस्टों को, तीन टेस्टों को देना इज नॉट अपियरिंग इन दैट एक्टिविटी। तो बातें बहुत सारी हैं, काइंडली मैंने अभी बताया, थोड़ा देर पहले मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्वेश्चंस को होल्ड में रखिए,
मैं वन बाय वन क्वेश्चंस लूंगा, अभी सेशन के होने वाली बातें सुन ले, शायद आपके सवाल ऑटोमेटिकली आंसर हो जाए। तो अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप का जो कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाले ऑप्शन है कुछ टाइम के लिए होल्ड कर, और कानों में जरा हैंड फ्री लगा के मेरी बातों को सुनिएगा, शायद आपको थोड़ी सी शर्म और थोड़ा सा एहसास मैं आज दिला सकूं। सर आज का एजेंडा क्या है? एजेंडा इज व्हाट आर द रीजंस फॉर फेलियर, बात करेंगे। लेट्स ट्राई अगेन, कोई बात नहीं, डट के आएंगे फिर से। वाइज प्लानिंग और एंड के ऊपर आपका क्वेश्चन आंसर सेशन, जो कि वन ऑन वन मेरा चल रहा होगा आपके साथ, आपके सवालों के साथ। ओके सर, रीजंस फॉर फेलियर, क्यों एक बच्चा फेल हो रहा है और फेल होने के बाद इंडिविजुअल की क्या सोच है और सोसाइटी इसके बारे में क्या कहती है, आइए इसको डिस्कस कर लेते। सर हमारे पास मेन पांच रीजंस हैं फॉर दिस फेलियर कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपको कोई चीज सिखाई जा रही हो तो उसको कबूल किया कर। आज अगर हम इस सेशन में मौजूद हैं तो हम अपने फेलियर्स को कबूल करने के लिए आए, और हमें ना चाहते हुए भी दिल में पत्थर रख के मानना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये गलतियां की हैं, तब जाके मेरा ये पेपर पास नहीं हुआ। सर पहली चीज, आप लोग नहीं पढ़ते हैं, मीन्स नहीं पढ़ते। खुद अपने आप से एक सवाल कीजिएगा कि जो अभी बच्चे एनरोल्ड हैं प्री बैचेस के अंदर या जो लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, कितने दिन आपने डेली पढ़ा? टीचर की बात को घर जाके कितने दिन डेली कंसिस्टेंसी के साथ रिवाइज किया? कितनी दफा टीचर के प्लान को फॉलो किया? पूछे खुद से पूछे और मुझे बताएं, क्वेश्चन में लिखे आपके सवाल। सिर्फ और सिर्फ मैं रीड कर सकता हूं, कोई और रीड नहीं करेगा। मुझे बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टीचर की हर बात को फॉलो किया हो, उसकी दी हुई हर असाइनमेंट को पूरा किया हो, उसकी हर बात पे सर हिला के उसको एक्सेप्ट किया हो, चाहे आप किसी भी मोड में हो। है कोई ऐसा बच्चा? तुम जरा मुझे बता, मुझे लिस्ट से नो की आवाजें आ रही हैं। कुछ भी नहीं, 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 नो नो नो। तो तीन चार यस की आवाजें आई हैं, उसके अलावा सारी नो की आवाजें। तो भाई पहली मेन रीजन ही यही है कि आप लोगों ने पूरा सेशन नहीं पढ़ा, और ये सबसे बड़ा ब्लंडर है आप लोगों का। आप लोग नहीं पढ़ते हैं पूरा सेशन, आप जानते हैं, ये गुनहगार आंखें रोज देखती हैं, रोज पूछती हैं, रोज एक एक को पकड़ के झंझोड़ती हैं क्लास में, व्हाट्सएप ग्रुप में अलग से पूछ रही होती है कि भाई किधर गायब हो, क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो, टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर रहे हो, मगर आप लोगों ने कब जागना है नहीं पता। आप लोगों ने कब ये कहना है कि सर हमारी सुबह नहीं हो गई है, अब आज से हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे? नहीं, आप लोगों का डायनोमा क्या है? 4 दिन पढ़ा, 3 दिन गया, 2 हफ्ते पढ़ा, 2 हफ्ते गया। बैकलॉग आप लोग इकट्ठा करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, मगर उसका क्या फायदा? अब बहुत सारे बच्चे चलते हुए प्री बैच से उठेंगे और कहेंगे सर वो शुरू से पढ़ना है, पोस्ट बैच में ले जाए। तो भाई पहले प्री बैच में क्या कह रहे थे फिर आप लोग? बात घूम के वही आती है कि इट इज नॉट द आई कैप हु इज फेलिंग यू, इट इज यू, यू आर फेलिंग योर सेल्फ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। कब जागेंगे आप? और अगर कभी गलती से पढ़ने बैठ ही जाए, दिल कर ही आए पढ़ने का, तो चूंकि आप हर रोज रिफ्रेश होके आते हैं, हर रोज रिस्टार्ट होके आते हैं, तो कोई स्टडी पैटर्न नहीं मिलता आपको। आपसे अगर कहा जाए कि ये टेस्ट है, इसको तैयार करना है, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि ये चैप्टर लॉजिकल सवाल में से है या स्ट्रेट फॉरवर्ड सवालों में से आता है। नहीं पता होगा कि ये रिपोर्टिंग का क्वेश्चन इस चैप्टर में से किस नोयत का आएगा, कैसा आएगा। स्टडी पैटर्न ही कोई नहीं। ये कब आता है? ये उस वक्त आता है जब आपने क्लासेस डेली ली हो,
अगर आप फिजिकल मोड में है तो फिजिकल आए हो, रिकॉर्डेड मोड में है तो डेली की रिकॉर्डिंग सुनते हो, लाइव वाले हैं तो डेली लाइव आए, मगर नहीं। फैक्ट बताओ, आप लोगों को चाहिए एक पकी पकाई देश, एक कैप्सूल जो कि आपको दिया जाए, आप निगल लें और बस खा के कहेंगे सर वो तैयारी डन होगी, या आखिरी महीने में जो जो करवा दिया वो करके गए और ट्राई मारी शायद पास हो जाए, और उसके बाद सोचते हैं नहीं यार मैंने तो डेली बेस पर तैयार किया। तो ये गलत है, इस फ्रेम ऑफ माइंड से हमें बाहर आने की जरूरत है। तो स्टडी पैटर्न बनाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एट एनी गिवन टाइम जो चीज आप तैयार करने जा रहे हैं आईकैप में वो चीज कैसे पूछी जानी है, आईकैप में कैसे आएगी वो चीज। आप लोग बस आंखों पे पट्टी बांध के पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, मगर कोई पलट के ये नहीं पूछता कि सर इसको लिखना कैसे है, इसको सॉल्व कैसे करना है, आईकैप में इसका आंसर ड्राफ्ट कैसे करना है। देखिए सिर्फ पढ़ना, क्लास से लेके टिक लगा लेना, चाहे 2x पे हो, 4x पे हो, 3x पे हो, 1x पे हो, इसको पढ़ाई नहीं कहते हैं। ये तो आप समझे कि जस्ट आप एक मूवी देख रहे हैं या आप एक सीजन देख रहे हैं। असल पढ़ाई क्या है कि उस क्लास के बाद आप अपने आप को टाइम दें, उस सब्जेक्ट को टाइम दें, डेली बेस पे कंसिस्टेंट रह के एक सवा डेढ़ घंटा देना शुरू करें, तब जाके आप कुछ कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। ये जरूरी है, और कंसिस्टेंसी के साथ देना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। अनफॉर्चुनेटली आज सुबह पढ़ा है तो कल शाम में पढ़ रहे होंगे, परसों फिर सुबह में पढ़ रहे होंगे। एक टाइम बनाए, अपना स्केड्यूल बनाए, अपना डेली का एक टाइम टेबल सेट करें कि भाई मैंने इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, ताकि डेली की रूटीन आपके पास हो और आप उस रूटीन को फॉलो करते जाए, तब जाके आपकी बॉडी यूज टू होगी। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर पढ़ाई करते हुए नींद आती है, उनको यही नहीं पता जो पढ़ किस टाइम पर है। थ्योरी का पेपर अगर आप रात में पढ़ने बैठेंगे तो डेफिनेटली नींद ही आनी है, न्यूमेरिकल अगर आप सुबह सुबह सॉल्व करेंगे शोर शराबे में तो शायद उतने ध्यान से सॉल्व ना कर पाए। तो हर पेपर का एक अपना फ्लेवर है, उसका एक अपना डायनामिक्स है, आपको देखना पड़ेगा, आपको प्रॉपर टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आइडियली न्यूमेरिकल पेपर्स आप शाम रात में करें, बहुत आसानी से हो जाते हैं। थ्योरी का पेपर जितने आप ज्यादा एक्टिव सुबह के टाइम होते हैं, सुबह के टाइम को इस्तेमाल करना सीखें। देन अगर आप लोग गलती से पढ़ भी लें, चीजें कर भी लें, तो जब रिवीजन की बारी आती है तो आप लोग पैनिक हुए होते हैं कि भाई इस टीचर के 32 सवाल करूं, उसके 36 सवाल करूं या उसके 50 सवाल करूं, ए को फॉलो करूं, बी को फॉलो करूं या सी को फॉलो करूं। क्यों? क्योंकि अब आपके पास आके ना चॉइसेस बहुत ज्यादा हो गई है, और इन चॉइसेस की वजह से आप लोग सफर कर, पहले ऐसे नहीं होता था। जब से ये ऑनलाइन आया है, जब से आपको डिफरेंट एरियाज की, डिफरेंट टीचर्स की एक्सेस मिलनी शुरू हो गई है, आप कुछ यहां से किया, कुछ वहां से किया, कुछ यहां से किया, एक मनोरंजन पका के जाते हैं और एग्जाम में फिर खिचड़ी करके आ जाते। टीचर आपका एक होना चाहिए जो कि शुरू से लेके एंड तक आपका साथ दे, वो एक टीचर चुन ले और फिर उसके पीछे पड़ जाए, उसको बोलेंगे सर अगर हमने आप पे भरोसा किया है तो आपने हमें पास भी करवाना है। ये बहुत जरूरी है, टीचर के साथ उसके स्टूडेंट की लाइजनिंग होनी चाहिए और बहुत अच्छी वाली होनी चाहिए, तब जाके कोई फायदा हासिल होता है, तब जाके कोई बेनिफिट मिलता है आपको। तो रिवीजन्स के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए अपने उस रेलेवेंट टीचर के पास भी जाएं और उनको बताएं कि सर ये आपने पढ़ाया था, एग्जाम में कुछ ऐसा आया है, मैंने इतनी तैयारी की थी, मेरा माइंड इतना काम कर रहा था। कुछ बच्चे तो एग्जाम में जाके एग्जाम फोबिया का शिकार होके पेपर को पैनिक करके छोड़ाते हैं, या वो एग्जाम में बैठ के उनका दिमाग कहीं और चल पड़ता है, सोचों में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? लैक ऑफ प्रैक्टिस। ऐसा क्यों होता है?
आप लोग क्लास में आदी होते हैं हर स्टैंडर्ड के एक एक सवाल करने के, तो जब चीजें मिक्स होके आती हैं, जब लिंकिंग्स बनती हैं, जब एक एरिया से उठ के दूसरे एरिया में, फिर तीसरे में, फिर वापस, तो ये जो जंप अराउंड होता है बिटवीन द चैप्टर्स, तब जाके आपकी असल स्किल सामने आती है। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पास या फेल में, कि कौन सा सवाल आपको पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए और कौन सा एंड पे करना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी फैक्टर है। बहुत सारे बच्चों को पेपर आता है मगर वो कंप्लीट नहीं कर पाते, 85 का, 80 का, 70 का, 90 का पेपर करके आएंगे। उससे पूछो क्यों, उसका टाइम मैनेज नहीं हुआ था। तो भाई टाइम मैनेजमेंट की कोई प्रैक्टिस की आज तक 6 महीने? नहीं की। कोई मॉक दिया? नहीं दिया। और भाई मिड दिया था? नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? सर वो उस वक्त तैयारी नहीं थी। वो भाई वो तुम्हारी तैयारी कभी जिंदगी में पूरी नहीं होनी है, वो आज भी नहीं है, वो उस वक्त भी नहीं थी। तो अपनी गलतियों को बैठें, अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना सीखें, तब जाके आप उस पॉइंट पे आएंगे जहां से आपने अपने आप को रिकवरी फेज में डाला। अगर आपका एक भी पेपर पास हुआ ना आज, तो शुक्र मन है, आप बाकियों से बहुत अफजल है। वो बच्चे भी हैं जिन्होंने 4 दे के 4 फेल किए, 3 दे के 3 फेल किए, 2 दे के 2 फेल किए, 1 दे के 1 भी फेल किए। तो आप उनसे ज्यादा अफजल हैं इस वक्त। तो खुदारा अपने आप को सेल्फ एनालाइज करें, कुछ ना करें, सिर्फ पिछले 4-5 अटेम्प्ट के एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ें। मैंने बड़ा मुश्किल वर्ड यूज किया, एग्जामिनर कमेंट्स। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि ये कागज भी आता है, उनको बस ये है कि क्लास में गए, लेक्चर लिया, यही पढ़ाई है। भाई ये पढ़ाई नहीं है, ये जस्ट उसका एक पार्ट है। आप समझे कि ये 40% है। ऊपर का 60% जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, अपनी विल शो नहीं करेंगे, नहीं होगा। यकीन मानिए नहीं होगा, कुछ भी करने नहीं होगा। काइंडली वो जो 60% वाला विल पावर है, वो मुझे आप में चाहिए फॉर द नेक्स्ट सेशन। सर इसके अलावा हमारे पास कुछ और फैक्टर्स भी हैं, कुछ और रीजंस भी हैं। सिलेक्टिव स्टडी एक बहुत बड़ा डायलेमा। सिलेक्टिव स्टडी सोशल मीडिया ने जितना गंद कर दिया ना, पता नहीं, फेक फेक नाम, फेक फेक आईडीज, और आप लोग पूरा दिन लगे रहते हैं फेसबुक के ऊपर, इतना टाइम जाया करते हैं रील्स देखने में, पोस्टिंग में, पोस्ट करने में, कमेंट्स करने में, अनोनिमस पोस्ट डालने में। वही टाइम अगर आप फैमिली को दें, वही टाइम अगर आप अपनी पढ़ाई को दें, तो क्या पेपर पास नहीं होते? ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा कि आप बिल्कुल ही यूज ना करें, आप एक लेवल तक यूज कर लें, थोड़ा सा ख्याल से यूज कर लें, आधा घंटा यूज कर लें, अपने माइंड को रिफ्रेश करना ना। चले कर लिया, अब आ जाए वापस, मगर नहीं, जब उस दुनिया में जाते हैं, उस फेक दुनिया में जाते हैं, फेक दुनिया, तो वहां पे जाके आप खो जाते हैं। आप इतना अपने आप को वहां पे सर्फ कर देते हैं कि 2-4 घंटे तो यूं गए पता भी नहीं चलता। और जब वापस आते हैं, आंखें भी थकी होती हैं, दिमाग भी थका होता है, और पढ़ने का तो आपका वैसे नहीं कर रहा। फिर वहां पे जाके कौन से 6 चैप्टर्स कर लूं तो मेरा पेपर पास हो जाएगा? इस टीचर ने क्या क्या पढ़ाया आज तक, इस सब्जेक्ट में बेस्ट टीचर बता दे। और भाई इररिलेवेंट है। एक बच्चे को अगर एक टीचर पसंद आ गया है, ये मेरी बात सुन ले, एक टीचर वर्सेस एक स्टूडेंट, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है तो शायद आपकी ना हो उसके, शायद आपको उसकी समझ ना आए, शायद आपको दूसरे वाली की आ जाए। तो आप ओपिनियन शॉपिंग्स करना बंद करें, अपने माइंड को, ये जो अल्लाह ताला ने आपका दिमाग दिया है, इसको इस्तेमाल करें, खुद जाके देखें, खुद क्लासेस लेके बैठें, सुने, समझें। अगर तो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, नॉलेज आ रही है, चीजें जा रही हैं, फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, तो अटेम्प्ट कर लें, नहीं तो चेंज कर दें। भाई हर कॉलेज आपको ट्रायल देता है, मगर उसमें ये कौन बेहतर है, उसमें वो कौन बेहतर है, भाई वो आपसे तो बेहतर ही है, आपसे तो बेहतर है। तो ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जो कि सोशल मीडिया ने फैलाई हुई। फिर अम्बेसडर्स, वो गलत लोग जो कि कभी जिंदगी में सही गाइड करने के लिए बने नहीं है, अल्लाह ने उनको तखलीकी गलत मशवरे देने के लिए किया, उनसे भी दूर। ये मेरे हाथ जुड़े हैं, उनसे भी दूर।
अपना काम अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। ये दिया हुआ है ना, किसी और के दिमाग पर रिलाय ना करें। आपके पास अपना अनयूज्ड फ्रेश 100% रिफाइंड रिसाइकल्ड और पता नहीं नया ब्रांडेड दिमाग मौजूद है जो कभी भी आप लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो खुदा रहा उसको इस्तेमाल करें। थ्योरी वर्सेस न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में जान लगाई जाएंगे लगाई जाएंगे लगाई जाएंगे। आज अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई तुम लोगों ने IAS 16 के कितने सवाल किए थे वर्सेस लॉ के कितने सवाल लिख के किए थे, आप लोगों के पास 10 to 90 की रेशियो भी नहीं होती। शायद गिनती के 10-12 सवाल लिखे हो थ्योरी में और वहां पर आप लोग 70-70 सवाल लिख कर आए हो, न्यूमेरिकल में उससे भी ज्यादा ही होंगे। खैर, तो हर सब्जेक्ट की एक अपनी वेटेज है, हर सब्जेक्ट के 100 नंबर है। आप लोग तो ज्यादा करते हैं, न्यूमेरिकल को अन्य बार टाइम देके थ्योरी करते हुए नींद आती है और आई शुड से मौत पड़ती है। मैं आज बोलूंगा और मुझे बोलने दें क्यों, मेरे अंदर जो इस वक्त चल रहा है वो आपका खून, मैं इस वक्त आपको फील कर रहा हूं, आपका जमीर मेरे अंदर है इस वक्त। मैं चाहता हूं कि आप लोग पेपर पास करें, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं पास कर पा रहे हैं। वो तमाम रीजंस इस वक्त मैं आपको झिंझोड़ के दे रहा हूं कि भाई जागो, खुदा का वास्ता है जाग जाओ। टीचर ए बी सी, इसके भी सवाल पकड़ लिए, इसके भी पकड़ लिए, उसके भी पकड़ लिए, बन गया एक प्लाव बन गया आपका, खाया नहीं जाएगा। क्यों? चिकन भी है, बीफ भी है, मटन भी है, समझ ही नहीं आ रहा कि चावल कौन से। ये नहीं करना, ये नहीं करना, स्टिक टू वन पर्सन। पढ़ते किसी और से हैं, किताबें किसी और की होती। अब खुद बताएं, जब आप दो किश्तियों के सवारी हैं तो किस तरह ये सफर पार कर पाएंगे, कहां जाएंगे? तो टू मच रिलायंस करनी छोड़ दें। फिर कुछ जेन्युइन केसेस, भाई पढ़ा सही था, एग्जाम डे आया पैनिक हो गया, एग्जाम डे आया लेट पहुंचे, एग्जाम सेंटर में कुछ हो गया, वो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट्स कभी कभी हो जाते हैं इंसान के साथ, तो उनको हम लोग कुछ हद तक एक्सेप्शंस काउंट कर सकते हैं। मगर अगर आप वहां पे भी फेल हो रहे हैं, लेकिन फेल तो आप फिर भी हो गए हैं, तो अगर वहां पे आप थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिमाग को सुकून में रख के, ये कब होता, जब आपने बैक एंड के ऊपर तैयारी भी उस तरीके से की होती जो कि आप लोगों ने करनी नहीं होती। फिर पेपर्स भी तो कैसे चूज करना, दोस्त से पूछ लिया यार क्या पिक कर, उसने कहा ये और ये, पिक करके बैठ गए। बहुत सारे बच्चे ऑडिट पहली अटेम्प्ट में पिक करके आते हैं कि सर ये पेपर पास करवा दें, ये शुरू ए से होता है, अल्फाबेट ए से स्टार्ट होती है, तो आइए ऑडिट करते हैं। भाई हर पेपर का एक अपना टाइम है, एक अपनी डिमांड है, एक अपनी बेस है, तो ये चीजें भी हमें देखनी चाहिए जो कि गलतियां आप लोग करते हैं ना। रिजल्ट आ गया, अब दो तरह के रिएक्शंस आएंगे मेरे सामने। एक होता है डीमोटिवेटेड बच्चा, ये देख रहे हैं डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगा के बैठा हुआ है कि मुझे छेड़ो ही ना, मुझे छेड़ो ही ना, और एक मोटिवेटेड, ये मैं आपको बनाना चाहता हूं। कोई बात नहीं, फेलियर आ गया ना, गलतियां अगर आज पता चल गई हैं तो देर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ इंप्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट का चांस इंसान के पास हमेशा रहता है, बशर्ते कि वो उसको अपनाता कर दे। तो अगर आपको आज यकीन आ जाए कि भाई मेरी गलतियां कहाँ पे हैं, मैं क्यों फेल हो रहा हूँ, क्या मसले मसाइल हैं, तो आप इनको कबूल करके अपना हर पेपर निकाल सकते हैं। एक दफा फेलियर इंसान की लाइफ में आता है, अगर वो उससे नहीं सीखता फिर एक और दफा आएगा, फिर एक और दफा आएगा, बट अगर वो एक ही दफा में सीख जाए तो ये ऐसे क्यों हुई, मुझे क्या मजीद करना चाहिए था, तो नेक्स्ट टाइम से वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस, स्केप्टिक और कंसिस्टेंसी के साथ चीजों को तैयार करता। तो फेलियर आपको सिर्फ फेल नहीं करता, फेलियर आपको अगली अटेम्प्ट में जाने के लिए साथ में मोटिवेट भी कर रहा होता है कि भाई तुम अगर फेल हुए हो तो इट इज बिकॉज ऑफ यू, इट इज बिकॉज ऑफ द वीकनेसेस दैट यू आर कैरिंग इन योर सेल्फ, इसको ठीक कर लो, यू आर ऑल सेट टू गो। सर मैं जरा इसको शॉर्ट करूंगा ताकि आपके सवालों का भी मैं ले सकूं। अब इस टाइम को हम लोग यूटिलाइज कैसे करें,
क्या करें रिमेनिंग टाइम के अंदर। यार दो तरह के बच्चे हैं, अगर तो आप, अब ये बात मेरी बहुत गौर से सुनने वाली है, अगर तो आप 42 से नीचे फेल हो रहे हैं, ये एक फिगर बहुत सोच समझ के निकाली हुई है, अगर तो आप 42 से फेल हो रहे हैं, 42 से नीचे की तरफ है, तो ये नंबर जाहिर कर रहे हैं कि आप कंसेप्चुअली वीक हैं। 42 से लेस, यू आर कंसेप्चुअली वीक। अब क्या करना चाहिए, हर वो बच्चा जो कि 42 से नीचे उड़ा है, आप अपने रेलेवेंट टीचर के पास जाएं और उनसे जाके एक सवाल करें, सर क्या आपका या आपके इदारे में किसी का डेडिकेटेड पोस्ट बैच है, क्यों 42 से कम कॉन्सेप्चुअल वीकनेस शो कर रहे हैं। वो अगर आपको पोस्ट बैच मिल जाए, चाहे किसी भी मोड में मिल जाए, कबूल कर ले। मैंने एक वर्ड बोला है डेडिकेटेड, यानी कि ये ना हो कि आपको प्री की क्लास में धक्का देके बिठा दें और कहेंगे भाई पिछला खुद ही कवर कर लेना, ये पोस्ट बैच नहीं है, अदरवाइज फिर आप पीछे से क्या कवर करेंगे और आगे क्या देखेंगे, ये कभी भी सिंक नहीं हो पाएगा। तो डेडिकेटेड पोस्ट बैचेस आपको अगर ऑफर किए जा रहे हैं तो जरूर, प्लस उनसे पूछें कि सर इस पोस्ट बैच में टेस्टिंग होगी, असाइनमेंट्स होंगी, और पोस्ट बैच नॉर्मली एक फास्ट पेस पे होता है, ना इतना फास्ट ना इतना स्लो, एक मॉडरेट पेस आप कह सकते हैं। तो टेस्टिंग असाइनमेंट्स अगर अवेलेबल है, डेडिकेशन है, शुरू से स्टार्ट किया जा रहा है, आपको अगर समझ आ रही है, फ्रिक्वेंसी मैच होती है, तो जरूर उसमें बैठे। और अगर आप 42 से ऊपर फेल हो रहे हैं तो मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा कि भाई आप पोस्ट बैच ज्वाइन करें। 42 से ऊपर से मुराद यही है कि ये आप वो बच्चा है, हम उस बच्चे की बात कर रहे हैं जो कि कॉन्सेप्ट वाइज ओके था, समझ उसको आती थी, मगर एग्जाम में अंडर परफॉर्म कर गया, उसका हाथ नहीं खुला, कि जो हैंड आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन है वो नहीं चली। वो क्यों नहीं चली, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की थी। तो अगर आप उस कैटेगरी में जा रहे हैं तो फिर आपको क्लासेस की जरूरत नहीं है, आपको फिर एक अच्छा तगड़ा टेस्ट सेशन चाहिए, जो कि आपको फिजिकल भी मिल सकता है और आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है। फिर डोंट काउंट योर सेल्फ एज एन ओल्ड स्टूडेंट, जो माजी में होना था वो हो गया, वो अब चैप्टर ही क्लोज है। फिर एक और फोबिया भी होता है, सर दोस्त क्या कहेंगे, मेरे साथ जो थे वो क्या कह रहे होंगे, माशरा क्या कहेगा। भाई माशरे ने कुछ आपको दे के नहीं जाना, अगर एक दोस्त आपका आज आगे है तो शायद कल को आप डबल आगे जा सकें, आपकी नौकरी पहले हो जाए वो जरा बाद में आ रहा हो। तो सीए के अंदर कभी भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता जूनियर्स का और सीनियर्स का, ये कभी भी किसी भी टाइम पे प्लस माइनस हो जाते हैं, चेंज हो सकते हैं, ये सीए की एक बड़ी खूबसूरती है। यहाँ पे कभी भी कोई किसी का पक्के वाला सीनियर या पक्के वाला जूनियर नहीं है, जितने आपके पेपर पास हैं आप सीनियोरिटी की तरफ जा रहे हैं, जितने कम पास हैं आप पीछे आ रहे हैं। तो ये रूल लिख ले, 42 से ऊपर टेस्ट सेशन क्लासेस आर नॉट कंपलसरी। हाँ अगर लेनी है तो रिवीजन क्लासेस आपको अवेलेबल की जा सकती हैं, वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होती हैं, अगर आपको थोड़ी सी नीड है तो। अदरवाइज इफ यू आर स्कोरिंग लेस देन 42 देन यू स्पेसिफिकली नीड अ पोस्ट बैच, अ डेडिकेटेड पोस्ट बैच आई शुड से। सर कामयाबी की तरफ जाना है, 5 सिंपल स्टेप्स हैं। अगर आप ये 5 सिंपल स्टेप्स आज फॉलो कर लें, आज से ही अगर आप ये 5 सिंपल स्टेप्स की तरफ आ जाए तो आप किसी भी पेपर को पास कर सकते हैं, चाहे वो FAR 1 हो चाहे वो ऑडिट। डेली क्लासेस से मुराद है डेली कंसिस्टेंसी के साथ क्लासेस, फिजिकल हैं तो फिजिकल जाएं, लाइव हैं तो लाइव जाएं, रिकॉर्डिंग्स पे ही हैं तो रिकॉर्डिंग्स डेली लें, कल पे ना छोड़ें, वो कल कभी भी नहीं है। जितना पढ़ाया उसको रिवाइज भी करना है, उसको समझना भी है, उसको एनालाइज भी करना है कि आई कैप यहां से किस तरह का सवाल निकाल सकता है। टेस्ट असाइनमेंट मार्क करवाएं, उसको एनालाइज करवाएं,
कम से कम दो से तीन दफा रिवीजन करें और फेक सोशल मीडिया वर्ल्ड से दूर रहें, दूर रहें। ये बहुत जरूरी है अगर आपने वाकई में कामयाबी का मजा चखना है। ये हर सेशन में ये स्लाइड कॉमन होती है, क्यों? क्योंकि हर सेशन में बच्चे को इससे फायदा मिलता है। अगर आपने बस ये पांच बातें पूरी कर ली और कुछ नहीं चाहिए, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, ये पांच बातें अगर आप पूरा कर लें तो सर आपके ही वारे न्यारे होंगे, आप ही के पेरेंट्स खुश हो रहे होंगे। जी आइए जरा नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्लानिंग भी कर लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सवाल प्लानिंग के ऊपर भी होते हैं। अब आपको जैसे पता है कि 8 पेपर्स आईकैप ने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए, कैफ 5, कैफ 4, कैफ 6, कैफ 3, कैफ 7, कैफ 2, और फिर नेक्स्ट वीक में कैफ 8 और कैफ 1, ऐसे ही होता है। फिर दो रिस्ट्रिक्शंस, 1 5 की और 3 6 की, मगर वो बच्चा जिसके रह ही ये दो पेपर गए हैं, 1 5 रह गए या 3 6 रह गया, उसके लिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो ये दोनों पेपर इकट्ठे दे सकता है। फिर बी लॉ सी लॉ को आप अलग अलग ट्रीट करें, इसको कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसीलिए हम कहते हैं कि ये दो पेपर आप किसी भी टाइम अटेंड करके इजीली पास कर सकते हैं। एंड सेम गोज विद टेक्स्ट, टेक्स्ट का पेपर भी ना किसी पे आगे डिपेंड है ना किसी पे पीछे की तरफ से डिपेंडेंसी ले रहा है। ऑडिट और FAR2 की एक जंग हमेशा से रही है, क्योंकि ऑडिट आप बेसिकली फाइनेंशियल्स का करते हैं और वो फाइनेंशियल्स असल में आप बनाना सीखते हैं FAR2। बट इस रिसेंट चेंजेस के बाद बहुत सारे बच्चे FAR1 और ऑडिट कंबाइन करने पे मजबूर हैं, और हम बतौर टीचर भी अब आपको उन तमाम एरियाज की प्रैक्टिस करवाते हैं जहां से आईकैप न्यूमेरिकल पूछ सकता है या न्यूमेरिकल इंपैक्ट दे सकता है ऑडिट के अंदर। फिर आपने कोशिश ये करनी है कि बैक टू बैक पेपर्स कंबाइन नहीं करने, यानी कि कैफ 5 कैफ 4 या कैफ 4 कैफ 6 या 3 7, तो अगर इस तरह कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ख्याल ये रखना है कि जो अगले वाला पेपर है उसकी तैयारी आपने ऑलरेडी अच्छे से की हो, क्योंकि जब आप पेपर दे के वापस आते हैं तो एनर्जी भी डाउन होती है, उसके बाद आपके पास 8 से 10 घंटे अच्छे वाले होते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ नेक्स्ट पेपर। तो ये जो बिल्कुल ही साथ साथ पेपर लगे हुए हैं अवॉइड करने की कोशिश करें, अगर कर सकते हैं तो वेरी गुड, बट अगर कॉम्बो ही कुछ और बनता है तो फिर उठाए जा सकते हैं। अगर आप किसी एक पेपर में फेल हो रहे हैं तो फिर कोशिश करके उसको बिल्कुल इमिजिएटली अगली अटेम्प्ट में पिक कर लें, ताकि आपकी फेलियर्स फ्रेश हो और आप उसको आसानी ओवरकम भी कर सकें। तो ये भी कुछ मशवरे हैं रिगार्डिंग प्लानिंग ऑफ योर कैफ पेपर। सर क्या करना चाहिए अगर आप फिजिकल क्लासेस ले रहे हैं, आप किसी भी इदारे के पास अगर जा रहे हैं फिजिकल पढ़ने के लिए, तो आपने कुछ क्वेश्चन उनसे पूछने, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पे इदारे तो मुंह खोल के बैठे, उनको पता है कि बच्चा आएगा तो बच्चे से हमने कमाना है। उनसे ये पूछेंगे भाई ये पोस्ट बैच 100% डेडिकेटेड ऑफर किया जा रहा है, अगर रोल ओवर बैच भी है तो क्या जो पिछले टॉपिक्स कवर हो चुके हैं क्या वो दोबारा से पढ़ाए जाएंगे, टाइम स्लैब्स क्या होंगे, क्या व्हाट्सएप तक एक्सेस हमारी होगी, क्या टीचर खुद आंसर करता है या नहीं करता, टेस्टिंग सिस्टम साथ इंटीग्रेट हुआ है या नहीं हुआ, नोट्स स्टडी मटेरियल गाइडलाइंस हार्ड फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल होंगे, सेपरेट सेशन, एग्जाम टेक्निक्स, पास पेपर्स, गाइडेंस, क्रैश कोर्सेज, अगर तो ये सब आपको उस कॉम्बो में मिलता है और आपके मार्क्स 42 से नीचे की तरफ हैं तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। बट अगर आपको चलती हुई क्लास में बिठा दिया जाता है तो ये मजे की चीज ना आपके लिए है और ना आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो ये बातें भी समझना जरूरी है, क्योंकि तो आपने आगे जाके इसको फेस करना है। इसी तरह अगर आप लाइव हैं
तो क्या लाइव क्लासेस डेली बेस पर अगर होगी, टाइम स्लैब्स डिफाइंड है, रेगुलेशन के थ्रू हो रहे हैं, इसलिए भी टेस्टिंग है, व्हाट्सएप ग्रुप है, नोट्स वगैरह है, तो ये सारी चीजें पूरी होनी चाहिए। और अगर आप सिर्फ रिकॉर्डेड की तरफ जा रहे हैं तो क्या वो स्क्रिप्टेड रिकॉर्डिंग्स हैं, क्या वो कस्टमाइज्ड है, क्या वो प्री डिफाइंड वेल एडिटेड कोर्स है, क्या उसमें लाइव सेशंस होते हैं, क्या टीचर खुद रابطे में होता है। और अगर आप टेस्ट सेशन की तरफ आना जा रहे हैं तो क्या उसमें मिनिमम 10-12 टेस्ट मौजूद हैं, टीम वगैरह कैसी है, वेबसाइट कैसी है, अपलोडिंग का क्या हिसाब किताब है, क्वार्टर मिड मॉक अवेलेबल है या नहीं है। कहने का मकसद ये है कि अब आपके पास चॉइसेस तो अनलिमिटेड है, आप फिजिकल में जा सकते हैं, आप लाइव जा सकते हैं, आप ऑनलाइन में जा सकते हैं, बहुत कुछ ओपन है, मगर करना आप लोगों ने। अगर आपको एक टीचर के साथ फ्रिक्वेंसी बैठ गई है तो फिर उसके साथ लग जाए, उसके साथ इतना जुड़े कि वो आपको वो चीजें भी बताए जो कि शायद आप पूछते हुए घबराते हैं। और क्योंकि हमें अल्टीमेट रिजल्ट क्या चाहिए, आपका पास होना चाहिए। तो सर बेसिकली इस सेशन का मकसद क्या होता है, मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा दूं। एक होता है आपके अंदर छुपा हुआ जमीर, जिसको पता है कि गलतियां क्या है, बट वो चाह के भी सामने नहीं लेकर आ पाता। क्यों? आप उसको दबा देते हैं, आप उस पर हावी हो जाते हैं। आपको पता भी होगा ना कि ये मैंने गलत किया, आप कहते हैं नहीं मेरी गलती नहीं। तो इस सेशन का अल्टीमेट पर्पस आपकी गलतियां आपको दिखाना है, आपको आईना दिखाना है, प्लस प्लस आप से एक वादा लेना है कि आप अगले सेशन में जब आएंगे तो इस सेशन में नहीं बैठेंगे, और सारे पेपर आप अपने पास कर रहे होंगे और अपने वालदैन का नाम ऊंचा कर रहे होंगे, रोशन कर रहे होंगे। ये बहुत जरूरी है। तो ये जो मैंने आपके सामने अभी सिंपल एक 5 स्टेप्स का मॉडल रखा था, अगर मैं आपको दिखाऊं, दिस वन डेली क्लासेस इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हिच एवर द रूटीन इज, सारा काम रिवाइज करना है, टेस्टिंग करनी है, असाइनमेंट सॉल्व करनी है, रिवीजन करनी है, और सोशल मीडिया से भाग जाए पेरेंट्स, फिर थोड़ा सा अपने अंदर नमाज का एक एलिमेंट लेकर आए, लोगों को खुश करें, लोगों को सत्कार दें, अपनी जो आखिरी की जो आखिरी लाइफ है उसको भी इम्प्रूव करें। ये भी कभी कभी बहुत अहम फैक्टर प्ले करती हैं प्रोफेशनल स्टडीज के अंदर। तो बैड लक का एक एलिमेंट माना जा सकता है, मगर उसको ओवरकम किसने करना है? आप लोगों। तो सर दिस वॉज मोस्टली ऑल फ्रॉम माई साइड, आई होप कि आपको इसके आंसर्स मिल गए हों। अब मैं वन ऑन वन आपके क्वेश्चंस को टैकल करूंगा, मगर उससे पहले मुझे बताइएगा आपके एंड पे अगर कोई सवाल आप इस सेशन के मुतालिक करना चाहते हैं तो मुझे बताइए, फिर हम वन ऑन वन सवाल जवाब देते हैं। तो अभी टाइम हुआ है 2:50 का, यहां से ऑनवर्ड अगर कोई जनरल सवाल है तो मुझे बताइए। अब आपके क्वेश्चंस की बारी है, होपफुली कि आपको बहुत सारे जवाब इस सेशन से बाय डिफॉल्ट मिल गए हो, क्योंकि मैंने इसको ड्रैग नहीं किया, बिकॉज आई नो कि आपका इस वक्त वक्त कितना आपके लिए कीमती है। जी शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। मैं ले रहा हूँ सवाल 2:48 से ऑनवर्ड। मोहम्मद हुजैफा भाई कहते हैं कि सर मेरे तीनों फेल हो गए हैं, CAF 1-4, और मेरी ये फर्स्ट अटेम्प्ट थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या गलत किया है, क्योंकि मैं इतनी प्रैक्टिस भी करके गया था और भरोसा भी था इनको, और बहुत सारी चीजें इन्होंने की थी, पेपर दे के आए हैं, और 31, 32, 29 देखें, आपको लग रहा है, आपको यकीन मानिए लग रहा है कि आपको चीजें आती हैं, प्रैक्टिस की कमी साफ नजर आ रही है। 29 नंबर अगर किसी बच्चे के आए हैं, इट मींस कि उसने नहीं लिखा, इट मींस कि उसने कम से कम 70-80 सवाल थ्योरी के लिख के अटेम्प्ट नहीं किए, और आप मेरी इस बात को एग्री करेंगे। तो अगर आपके भी इतने कम नंबर हैं
इट शोज कि आप प्रैक्टिस से पीछे जा रहे हैं। सर आई हैव टू पेपर्स रिमेनिंग, अब्दुल राफी कह रहे हैं आई हैव टू पेपर्स रिमेनिंग, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, मैं उसको बड़ा कर लूं ताकि आपके सवाल जितने भी हैं वो सामने सामने ही आंसर मिल जाए। जस्ट अ मिनट। जी सर आई हैव टू पेपर्स रिमेनिंग एंड आई एम ऑलरेडी इंडक्टेड इन जुनेदी शोएब लाइक 1 वीक अगो, शुड आई कंटिन्यू? नहीं, आपको वो रखेंगे भी नहीं क्योंकि उन्होंने आपको टेम्परेरी बेस पर हायर किया होगा इस अजम्पशन के साथ कि आपका कैफ पास हो जाएगा। अब जाकर उनको बताएं वो फारिग कर देंगे। सर क्या रिस्ट्रिक्शन रिमूव हो जाएगी? उम्मीद तो कम ही है। सर कॉस्ट का बता दें, कॉस्ट का क्या बता दें? ये तो आपने मुझे बताया नहीं। सब ग्रुप भी पूरा एक साथ उठा सकते हैं। देखें एक बात बड़े मजे की ना आप लोग करते हैं, सर क्या मैं ये 4 पेपर उठा लूं, 3 उठा लूं? भाई आप मुझसे ना पूछें, अपने आप से पूछें कि आपके पास इतना टाइम अवेलेबल है, क्या आपके पास स्टडी आवर्स हैं, क्या आपके पास वो इन्वायरमेंट है, क्या आप इतने लाइक बच्चे हैं कि आप सारे पेपर्स इकट्ठे उठा के पास भी कर सकें? तो ये क्वेश्चन आपका खुद से करने वाला, मुझे कहेंगे तो मैं कहूंगा यस, मगर ये आपको खुद से पूछना चाहिए। आइडियली 3 इज द आइडियल साइज ऑफ द पेपर्स। सर आईटीआर की न्यू पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, न्यू पॉलिसी के ऊपर मैं कतन बात करने के मूड में नहीं हूं क्योंकि वो फिर हम लोग ट्रैक कर जाएंगे, तो ये किसी और सेशन में इसको हम डिस्कस कर लेंगे। इस सेशन में हम न्यू पॉलिसी न्यू स्कीम के बारे में कोई भी सवाल कंटेन नहीं करेंगे। सर पेपर सेकंड अटेम्प्ट में भी फेल हो गए और इशू नहीं मिल रहा है। हारिस भाई शायद आपको मेरी डिबेट से इशू मिल जाए, अगर आपने लेट ज्वाइन किया तो काइंडली इसकी रिकॉर्डिंग सुनिएगा, मैंने रीजंस फॉर फेलियर के ऊपर काफी गहरी बात की। जी अब्दुल्ला कह रहे हैं सर आई अटेम्प्टेड 3 पेपर्स R1 टेक्स सीलॉ जस्ट पास द टेक्स, रीजन फॉर फेलियर ऑफ 39 इज बिकॉज मैंने एमसीक्यू अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, आई फॉरगॉट इन अ हरी, सीलॉ फेल्ड बिकॉज मैं पढ़ रहा था। सिर्फ इतना गाइड कर दें कि नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए पेपर सिलेक्शन में क्या ऑडिट को ऑप्ट किया जा सकता है? नहीं, 3 पेपर हैं तो भाई 3 काफी हैं, आप एकदम से सुपरमैन नहीं बन गए। 3 दिए हो, 3 पास किए तो मैं कहूँ हाँ यार 4 पे कर लो, जब 3 देके 3 फेल किए तो भाई एकदम से क्यों लग रहा है कि मैं 4 देके 4 पास कर लूंगा, ये एकदम से जज्बा क्यों आया? ये इंसान का फितरी एक अमल, तो ये गलत है, ये आपने नहीं करना। जी अरीशा कह रही है सर लूप में फंस गए हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, तो आपको एक दफा बैठ के रीजन एनालाइज करनी पड़ेंगी। अगर आप इधर लाहौर में हैं, अच्छा आप में से हर वो बच्चा जो कि लाहौर बेस्ड है, मेरी बात सुने, आप में से हर वो बच्चा जो कि लाहौर बेस्ड है या लाहौर आ सकता है तो कल आप SBI में आए, SBI कॉलेज में आए, मेन कैंपस में आए, और हम लोग फुल डे पूरी टीम अवेलेबल है सिर्फ आपके साथ मीट एंड ग्रीट करने के लिए। तो कल अगर आप लोग विलिंग हैं, आना चाहते हैं, फिजिकली अपने रिकॉर्ड्स ले आए, अपने मसले मसाइल ले आए, 1-on-1 टेबल टॉक भी कर सकते हैं, तो कल का दिन आपके लिए फुल डे हमने रखा है। सर काफी आंसर्स मिल गए हैं ऑलरेडी, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हुई हैं, बट एक और इशू है, तो वो क्या है वो आपने नहीं बताया। सर ठीक है, ये भाई का आंसर हो गया। सर CA में बहुत उल्टा पुल्टा पूछ लिया है कि अपने ग्रिड से अगेंस्ट, नहीं एक बात लिख लें, ICAP कभी भी अपनी ग्रिड को नहीं तोड़ता। आपको लगेगा रिक्वायरमेंट से शायद आपको लग रहा हो कि ICAP ने डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा पूछ ली हो, मगर भाई उस सवाल के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं वो ICAP की ग्रिड के मुताबिक ही थे। ICAP का ये कुलिया है, उसका ये रूल है
कि वो 5-10% की वेरिएशन से नहीं हिलता, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस की कमी है, न्यू सवाल अटेम्प्ट ना करने से आपको ये फील हो रहा है। रिजल्ट देखें, अच्छा रिजल्ट है एज कम्पेयर टू एफ ए आर का, 30s में रिजल्ट है। तो वो बच्चा भी है जो पास हुआ है, वो बच्चा भी है जो इस तरह की कंप्लेन नहीं कर रहा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि उसने पढ़ा है और उसने लॉजिकली पढ़ा है। सर पेपर राइटिंग एक रोल प्ले करती है? बिल्कुल, पेपर राइटिंग तो अल्टीमेट। सर आई पास्ट 5 पेपर्स असगर, सर आई पास्ट 5 पेपर्स। अच्छा, मैं नाम बोलूंगा ताकि आप लोग एक्टिव हो जाएं, और जिनके मैं नाम नहीं बोलूंगा उसके पीछे मैंने कोई रीजन लाजमी होगी। सर आई पास्ट 5 पेपर्स ऑफ कैफ इन 5 अटेम्प्ट्स, शुड आई कंटिन्यू सी और नॉट बिकॉज ऑफ इंडक्शन बेसिस? देखें, इंडक्शन आपकी हो जाती है, कैटेगरी ए में हो, कैटेगरी बी में हो, कैटेगरी सी में हो, इंडक्शन होती ही होती है। क्यूसीआर फॉर्म आपको पिक कर लेती है। तो अगर आप ये डर से सोच रहे हैं कि नहीं वो एफटीएस बहुत पुराना हो गया है और मुझे टॉप 10 नहीं मिलेगी तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, मेरा सीए करने का जो जो ड्रीम था वो खत्म हो जाएगा, भाई बहुत सारे बच्चे छोटी फर्म से आर्टिकल्स करके आज बहुत बड़ी पोजीशन में बैठ के मिलियंस कमा, कैसी बातें करते हैं। याद रखिएगा, छोटी फर्म ही इंसान को सिखाती है, बड़ी फर्म तो जस्ट आपसे खाना खुजा करवा रही होती है। तो छोटी फर्म के अपने बहुत सारे फायदे होते हैं। सर बिलो और टैक्स मतीन सर्वर, सर बिलो और टैक्स फेल हुआ, R1 पास, सर टाइम नहीं मैनेज हुआ था तीनों पेपर में, खासतौर पर बिलो में 21 नंबर का पेपर ब्लैंक छोड़ के आया था, 42 पे फेल हुआ है, टैक्स 48 पे फेल हुआ है। देखें, आपसे टाइम मैनेज नहीं हुआ, यू डेफिनेटली नीड, और मार्क्स भी ये शो कर रहे हैं कि कंसेप्चुअल इशू नहीं है, टाइम मैनेजमेंट का इशू है, ड्राफ्टिंग का इशू है, तो आपको टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहिए, चाहे ऑनलाइन कर लें चाहे फिजिकल कर लें। जी मोहसिन शाह, सलाम सर, मेरा बीला और FAR1 पास नहीं हो रहा, पेपर तो अच्छा जा रहा है लेकिन मुझे अपनी गलती पता नहीं चल रही है, तो क्या आपको इस सेशन से कुछ फायदा मिला है? शायद आपको मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स बता भी दी हो। एक काम करें, एक दफा सेल्फ एनालाइज करें, सोचें कि आपने पूरे सेशन में कितने सवाल लिख के अटेम्प्ट किए, सोचें कि आपने कितने दफा रिविजन की है, सोचें कि आपने कितने दफा क्लासेस स्किप की है, सोचें कि आपने कंसिस्टेंट रहकर कितने दफा पढ़ा है। अगर आपको ये सवालों के आंसर मिल जाए तो मुझे बताइएगा, शायद आपका रीजन इसी में छुपा। जी मुस्तफा रेहान, सर मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी ऑडिट की, 37 पे फेल हुआ है, लास्ट टाइम 41 पे था और इस दफा तैयारी भी बेहतर थी। सर पोस्ट बैच कब होगा? 6 तारीख से। सर मेरे दो पेपर इब्तिसाम आसिफ, सर मेरे दो पेपर CMA पास, FAR239 CLAW 30 पास नहीं हुआ, मैं करंटली MA ऑडिट पढ़ रहा हूँ। आप बताएं कि जो फेल हुए हैं बस वो पिक कर लें, दूसरे नए पेपर उठाने की बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। मोहम्मद अरहम, सर मेरे बीलॉ में 44 मार्क्स आए, तो मैं कैसी प्रिपरेशन करूं? पेपर बहुत अच्छा हुआ था बट समझ नहीं आई क्या प्रॉब्लम है। 44 नंबर आए हैं तो जरा मुझे बताएंगे आप लोग कि आप कितने मार्क्स से फेल हुए? अगर एक बच्चे के 44 नंबर हो तो क्या कहूंगा कि YTR पे कितने मार्क्स से फेल हुआ? अगर एक बच्चे के 44 मार्क्स हो तो YTR में कितने मार्क्स से उसका फेलियर होगा? 6 नंबर से, यही कहेंगे ना आप लोग? आप 56 नंबर से फेल हुए, 6 नहीं 56, यानी कि 56 मार्क्स का पेपर आपने जाया किया है, उसमें से आपने एक नंबर भी हासिल नहीं किया। तो भाई काहे की तैयारी, कौन सी तैयारी, कौन सी प्रैक्टिस? अगर ये डट के की होती तो पेपर पास कर चुके होते, यहां पे ना होते। तो अगर आप कहते हैं ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा, वो आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके मार्क्स जरा अच्छे वाले आ गए, आपकी उम्मीद से बढ़ के मार्क्स आ। अच्छा जी, ठीक है सर, स्केड्यूल बता दें 4 सब्जेक्ट का अगर कोई रखे। सानिया, कौन से 4 ग्रुप ए के, ग्रुप बी के, किस तरह की कॉम्बिनेशन है, कौन से पास है, कौन से नहीं पास है, वो आपने नहीं बताया, तो मैं क्या आपको स्केड्यूल बताऊं? सर ड्राफ्टिंग को इंडिविजुअली कैसे इंप्रूव करें, हारून पूछ रहे हैं, प्रैक्टिस करके। देखें, गाड़ी चलाने की स्किल
आप कैसे अपनी इंप्रूव करते हैं? जब आप गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठ कर ड्राइव करते हैं, घर बैठ के किताबें पढ़ने से, यूट्यूब पे वीडियो देखने से, या सोचने से, हाइपोथेसिस बनाने से तो गाड़ी चलाना नहीं आती। जब तक आप स्टेयरिंग पे हाथ नहीं डालते, दो चार दफा टक्कर नहीं मारते, पांच छह दफा ठोकते नहीं हैं, 10 12 दफा एक्सीडेंट नहीं करते, आपको गाड़ी चलाना नहीं आती। इसी तरह 4 5 टेस्ट फेल होंगे, छठे सातवें टेस्ट से आपका एक्सप्रेशन, आपकी स्टेटमेंट इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। बच्चे पहले 3 टेस्ट से डर के भाग जाते हैं। वो कहते हैं सर 3 टेस्ट में फेल हो गया हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप 3 टेस्ट में फेल हुए हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई वैलिड रीजन है। अच्छा जी, सर शुड आई गो फॉर इंटर्नशिप? नहीं, अगर आपके पेपर रहते हैं तो पहले पेपर पास करें। इंटर्नशिप के लिए तो बहुत टाइम पड़ा है, तो इंटर्नशिप के लिए मुस्तफा भाई अभी आपने नहीं जाना। सर टैक्स रुक गया 43 पर, तो पोस्ट बैच लूं या नहीं? क्योंकि मेरे टैक्स में चीजें चेंज होती हैं, ले लें ज्यादा बेहतर। जैनब गुलफराज, मैं नाम इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग जरा से एक्टिव हो जाएं जब आपका नाम पुकारा जाए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। माशाल्लाह से हाउसफुल हुआ है और मैं कोशिश पूरी है कि वन ऑन वन आपकी क्यूरीज का आंसर कर सकूं। इवन दो कल भी हम लोग फिजिकली अवेलेबल हैं, तो आप कल भी आ सकते हैं। सर मेरा R146 पे रुका था, मैं पेपर रिव्यू करवाना। अच्छा रुके, सवाल आया पेपर रिव्यू। पहली बात तो ये कि मिसकंसेप्शन मैं हमेशा से बोलता हूँ, दोबारा बोलूंगा, इसको बेशक रिकॉर्ड कर लें, चढ़ा दें कहीं भी, पेपर रिव्यू नहीं होता, पेपर रिकाउंट होता है। आपसे रिव्यू का वर्ड यूज इसलिए किया जाता है कि आप पैसे देंगे। आईकैब आपसे कहेगा जनाब लाएं हम आपका पेपर चेक करते हैं, पेपर खोला जाएगा उन्हीं के सामने, आपको नहीं दिखाया जाएगा, मार्क्स काउंट किए जाएंगे, मार्क्स पूरे होंगे और आपको शीट इशू कर दी जाएगी कि भाई इस सवाल में ये मसला है, इस सवाल में ये मसला है, इस सवाल में ये मसला है, और हमने आपके मार्क्स काउंट किए हैं, आपके मार्क्स उतने ही बनते। तो यू समझ लें कि एग्जामिनर को मैथ्स की तरह का एक कागज आपको मिल जाएगा जरा जल्दी, ऑन दैट सेट। तो कभी भी रीचेकिंग, रिव्यू, रिकाउंट में नंबर नहीं बढ़े हैं आज तक, और बढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर किसी एक के भी बढ़ गए तो वो फिर इंडिपेंडेंस के ऊपर, ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, तमाम एथिक्स के ऊपर एक डाउट क्रिएट हो जाए। फिर हर बच्चे को लगेगा कि उसका पेपर सही चेक नहीं हुआ, और इतना टाइम किसी के पास नहीं है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरफ भी दिमाग लड़ाया करें, अपने पैसे ना जाया करें। सर ये प्लीज बता दें, ठीक है ये हो गया है। सर कॉस्ट की टिप्स, देखिए कॉस्ट का पेपर 3 4 एरिया से ही आता है मैक्सिमम। अब अगेन इसकी अच्छी वाली टिप तो कोई कॉस्ट का एक रेलेवेंट टीचर टीचर ही आपको दे पाएगा, मगर मेरे नजदीक अनसीन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, और वो सवाल जो कि आईकैप पैटर्न के मुताबिक हो, क्योंकि देखिए डिवेलिकल में ना आसान सवाल भी बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, टफ भी बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, तो आपने बैलेंस सवाल निकालना होता है, एक मॉडरेट सवाल निकालना है, जिस तरह का आईकैप में पूछे जाने की कैपेसिटी होती है। तो अगर आप उस तरह का सवाल अटेम्प्ट करने के काबिल हैं तो आप पेपर को पास कर सकते हैं। जी एम अहमद भाई, सर मैंने भी 3 पेपर दिए थे, CAF 1 CAF 2 CAF 4, सिर्फ सर 3 फेल हुए हैं एट 41 37 30। सर मैंने भी प्रैक्टिस काफी की थी, अब मैं कितने पेपर दूं? 41 37 30, आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपको लगता है कि आपने प्रैक्टिस की है। आई एम वेरी सॉरी टू से, अगर बी लॉ में 30 नंबर है ना, तो ये साफ साफ जाहिर कर रहे हैं कि आपका कंसेप्चुअली भी बहुत वीक है, आपके क्रैमिंग एरियाज वीक हैं, आपने एमसीक्यूज भी सही से सॉल्व नहीं किए। सेम इज द केस विद टैक्स। R1 कुछ 40s में गया, 41 है, तो शायद वहां पे प्रैक्टिस की कमी रह गई है, मगर नीचे तो कंसेप्चुअली भी आप लैक कर रहे हैं। तो कभी कभी ना स्टूडेंट को फील होता है, क्यों उसके माइंड में होता है कि उसने क्लासे नहीं हुई। जब एक बच्चे के माइंड में ना कि मैंने क्लासे नहीं हुई है, मुझे सब कुछ आता है, तो कुछ नहीं आ रहा होता उसको, तो फिर आपको एक वहम हो रहा होता है, उस वहम से बाहर आ जाए।
सर मेरा R145 पे फेल हो गया था, बट मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, ये समझ नहीं आई पेपर कैसे फेल हो गया, क्योंकि शबीर भाई है, मुस्लिम शबीर। क्योंकि सर तो क्या मैं सिर्फ डिसीशन ज्वाइन कर लूँ, मेरा टेक्स बिलो पास है 45 पे अगर फेल हो रहा है तो यस आई कैन से कि टेस्ट इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि 42 प्लस जा रहे हैं, इट शोज के कंटेंट है मगर उसके डिलीवरी के अंदर इशू आ रहा है आपको, तो वो आपको टेस्टिंग सिस्टम ठीक कर सकता है सर। और मेरा ऑडिट पहले 46 पर रुका था, 32 अब 44, मैंने मॉक भी दिया था। आप एक दफा मेरे से आके मिलो कल, अगर आप लाहौर में हो तो आप आए और आके बात करें सर। FA1 CA में FA2 MFA ऑडिट रहता है, काफी टाइम हो गया पास नहीं हो रहा, आप एक काम करें आप दो दो पेपर अटेम्प्ट करके दें, आप FA1 और CA में दें फिर मुझे बताइए। अरीशा FA1 और CA में आपने दे जी सर, मेरा ऑडिट सीलो MFA रहता है, मैंने इन तीनों इस अटेम्प्ट में देना है, इसमें मैंने हैंड रिपोर्ट्स भी नहीं किया हुआ, मुझे पीपी उठा देना चाहिए, नहीं अभी ना उठाए पीपी, क्योंकि तीनों पेपर आपके मुश्किल है मूसा, तो अभी पीपी की तरफ आपने नहीं जाना, पीपी को आप ये पेपर दे दें, उसके बाद जो बैच स्टार्ट होगा उसमें आइए, क्योंकि पीपी की वर्किंग्स के साथ ये पेपर मैनेजमेंट मुश्किल हो जाती है अक्सर जी। अताउर रहमान सर मेरी बिलॉ की फर्स्ट अटेम्प्ट थी बट नहीं हो सका क्लियर सर, जब मैंने पेपर में बैठा तो मुझसे केस स्टडी में बहुत मुश्किल हुई, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था पेपर में, मैंने लेक्चर सारा लिया था, हाँ केस स्टडी नहीं की थी, प्रैक्टिस ही नहीं की थी। देखिए मैं फिर आपको बता दूं, लेक्चर लेना इज नॉट इक्वल टू पेपर पास करना, ये बात है लिख ले, सिर्फ लेक्चर ले के अगर आपको लगता है कि भाई मैं पेपर पास कर लूंगा मैं टॉप कर जाऊंगा तो नहीं, लेक्चर में सिर्फ कॉन्सेप्ट डिलीवर हुआ है, उसके ऊपर की प्रैक्टिस कौन करेगा, मैं करूंगा नहीं, आप लोगों ने करनी है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको उठा के उस एरिया में धक्का दे सकता हूँ, आपसे टक्करे लगवा सकता हूँ, तो भाई खुदा का वास्ता लिख के जाओ, मैं अपनी चलती हुई क्लास में 20 से 25 मिनट निकालता हूँ सिर्फ राइटिंग के लिए, तो कुछ है इम्पोर्टेंस तो मैं करता हूँ ना, मुझे पता है कि मेरे बच्चों ने घर जाके सो जाना, जब तक उनके सर पर डंडा नहीं होगा उन्होंने तैयारी नहीं करनी, तो मैं क्लास के अंदर ही उनसे लिखवा लेता हूँ कि भाई नहीं यही पे करके जाओ, मैं तुम्हें भरोसा नहीं कर सकता। प्रोटोलैम सर फर्स्ट अटेम्प्ट में बिलो दिया था और खास प्रिपरेशन नहीं थी, 48 मार्क्स थे, बट देन आई प्रिपेयर्ड कंप्लीटली विद प्रैक्टिस एंड टेस्ट अलोंग साइड विद FA1, मगर अब 44 है, FA1 में 42 है, आई ऑल्सो चूज टेक्स स्टडीड इट बट बिकॉज ऑफ फियर मैंने फिर ड्रॉप कर दिया, तो क्या होगा। देखिए पहली में अगर बगैर तैयारी के 48 आ गए हैं तो शायद कोई लक आपके साथ उस वक्त अटैच थी जो कि अब नहीं है, और असल मार्क्स आपके वही 44 है जो कि अब आए हैं, अब 44 अगेन थोड़ी सी मजीद एफर्ट चाहिए प्रेजेंटेशन में ड्राफ्टिंग में, तो आई वुड सजेस्ट दोनों केसेस के अंदर आपको टेस्ट सेशन जी। मेहताब भाई ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला है सर, बिलो दिया था 49 पे फेल, मेहताब भाई पहले तो आप मुझे 49 जरा एक दफा दिखा दें व्हाट्सएप के ऊपर, तो अगर आपने मुझे 49 साबित कर दी है तो हम खुद आई कैप में रिट दायर करके आपका पेपर पास करवाएंगे, क्योंकि आई कैप के कागजों में कहीं जगह पे लिखा हुआ है कि 49 पे बच्चा फेल नहीं होता, आपने कभी भी किसी के 49 नंबर नहीं सुने होंगे, तो अगर आपके वाकई में 49 आए हैं तो मुझे रिजल्ट कार्ड व्हाट्सएप लाजमी कीजिएगा जी। ईमान मलिक, ईमान मलिक एक सेकेंड सर प्लीज, पेपर कॉम्बिनेशन के बारे में बता दें, इस अटेम्प्ट में FA1 CA में और ऑडिट दिए थे, CA में पास हो गया है और FA1 48 पे ऑडिट 45 पे फेल हुआ है, चार पेपर रहते हैं, अभी आपने जो उठाया था आप वो ही उठा पाएंगे क्योंकि MFA तो आप दे नहीं सकते साथ, तो अभी जो उठाया है उसी के साथ चलें, या अगर आपने दो दो करके देने तो फिर आपको अनफॉर्चुनेटली ऑडिट ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि CA में और R1 में आगे लिंक होना है, तो आइडियली अगर आप तीन ही पेपर दें कोई मसले वाली बात नहीं है, और तीनों का टेस्टिंग सिस्टम, क्योंकि आप 48 45 पे फेल होने वाले बच्चे हो,
तो ये टेस्टिंग आपको पास करवा देगी। जी अलीना 6 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं सर, ये भी गाइड करते हैं। ठीक है, ये हो गया आंसर। अमायरा हसन, जी अमायरा हसन, मैं 2:53 के सवालों के ऊपर घूम रहा हूँ। अमायरा हसन सर, टैक्स और बी लॉ इस बार दिया था वो नहीं क्लियर हो सका, मैंने पेपर के बाद FR1 और CML लेक्चर शुरू कर दिए थे, तो अब क्या करूँ, फ्रीज किया जाए या क्या किया जाए? जी टैक्स बी लॉ तो आप उठाए उठाए, अगर आपको लगता है कि तीसरा पेपर पिक करना चाहिए, आपको अगर लगता है अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप फ्रीज मतलब फ्रीज ना करवाएं, बट अगर आपको लगता है कि नहीं जो फेल हुए हैं उसी के साथ मुझे जाना चाहिए, तो बस फिर उसको फ्रीज कर लें आगे आने वाले को, और 2 पेपर जो उठाए हैं उसी के साथ आप आगे चलें। जी हुमैरा खुर्शीद सर, सीलो का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, हुआ था लेकिन फेल हो गया, एंड अभी सीएम में ऑडिट पढ़ रहा हूँ, क्या सीलो के साथ एडजस्ट कर लूँ? देखिए सीलो एक ऐसा पेपर है जो कि रिलेटिवली इजी है, रिलेटिवली छोटा है और रिलेटिवली थ्योरी ज्यादा है, तो अगर आपका रट्टा स्ट्रांग है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, वो एक एडजस्टेबल पेपर है, ओनली तब जब आपका रट्टा स्ट्रांग है और आप उसको मैनेज कर सकते हैं, आपके पास टाइम अवेलेबल है, तो अगर यू हैव द टाइम देन गो एंड किल द वेव्स। जी मोहम्मद एहसन हैदर, मोहम्मद एहसन हैदर सर, आई हैव नॉट स्टडीड स्टार्टेड FR2 येट, आई हैव पास्ट FR1 एंड नाउ आई वांट टू स्टार्ट FR2, इज दिस बेटर? जी बिल्कुल, अब आप FR2 कोशिश करें कि अपने कॉलेज से कहें कि मुझे पोस्ट बैच में डाल, शिफ्ट करवा लें प्लीज से पोस्ट में, ताकि आप बिल्कुल ही स्क्रैच से जीरो से स्टार्ट कर सकें। एमन भट्ट, असलम सर इट्स माई फर्स्ट अटेम्प्ट, आई क्लियर बी लॉ ऑनलाइन बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इन CMA 43 एंड R1 48, सो प्लीज एडवाइज मी व्हाट शुड आई डू, टेल मी द स्ट्रेटजी फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट, आई वांट टू टेक सी लॉ एंड टैक्स अलोंग साइड FR1 एंड CMA। इसमें मेरा मशवरा ये है आपको कि आपको 3 पेपर से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 4 पेपर्स कभी कभी बहुत परेशानगुन हो जाते हैं, तो R1 CMA दोनों न्यूमेरिकल हैं, इसके साथ सी लॉ बेहतर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट भी सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल बन जाता है, तो 2 न्यूमेरिकल के साथ एक थ्योरेटिकल होना चाहिए जो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ऐड करेगा, तो यू शुड बी गोइंग विद सी लॉ रादर देन टेक्स्ट। मुकद्दस FR1 फेल 39, CMA सी लॉ 38 फेल, एक पेपर लू या दो या तीन या छोड़ दू सी, नहीं छोड़ना नहीं है, आप ऐसा करें कि खुद को इजी रखें और 2 पेपर्स के साथ मैदान में उतरे, 2 पेपर आपके कोई से भी दो हो सकते हैं क्योंकि आप करीब करीब भी फेल हुई हैं तो तीनों में। जैनम गुलफराज सर, आई एम फ्रॉम पिंडी प्लीज गाइड, आपको गाइडेंस मिल तो गई है, स्टिल अगर मजीद चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर नीचे लिखा रहा होगा, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको मजीद भी गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा। अब्दुल कदीर खान सर, मैंने CMA R1 बिलो दिया था, ओनली बिलो पास है, R147 CMA 45 दोनों का टेस्ट सेशन दें, क्योंकि नंबर ये शो कर रहे हैं कि आप कंसेप्चुअली साउंड है मगर आप प्रैक्टिकली लिख उससे उसको प्रेजेंटेशन में उसको नहीं ढाल पाए। माइदा शौकत सर, मैं कॉस 3 दफा दे चुकी हूँ, पहली बार 42 पर फेल हुआ था, सब क्लासेस दी थी, दूसरी दफा 32 पे फेल हुआ है, तीसरी दफा फिर से 45 पे फेल हुआ है, क्लासेस पूरी है क्या दोबारा लेने चाहिए? आपने एक वर्ड पे ना बहुत दफा फोकस किया, क्लासेस, मैं रिपीट कर देता हूँ, क्लासेस लेना इज नॉट अ गारंटी टू पास द पेपर, क्लासेस के अलावा और बहुत सारे काम करने होते हैं, क्लासेस के अंदर नॉर्मली आसान एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, सवालों को खुद टैकल करना है, अपने प्रेजेंटेशन को खुद इम्प्रूव करना है, तो आपको चाहिए कि जिस तरह के नंबर आपके आ रहे हैं मायदा, आपको टेस्ट सेशन की तरफ जरूर मूव करना चाहिए। उमेर खुर्शीद सर, सीसर एंड सीलो बिलो मर्ज तो नहीं, सीलो बिलो आगे जाके न्यू स्कीम में कभी जाके मर्ज होगा, अभी इस अटेम्प्ट में और अगली में तो कोई ऐसा चांस नहीं। अलीना आंसर 6 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं पोस्ट बैचेस। जी शायान खान
शायान खान। सर FA1 पास, बिलो पास, टेक्स पास, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में टाइम ज्यादा था, 5 मंथ्स थे, अभी 4 मंथ्स रिमेनिंग है। बड़ा अच्छा सवाल है, अब बताएं क्या रूटीन बनाऊं, किस तरह करूं। तो अगर आपके 3 पेपर पास है तो आपको सीलो, सीलो के साथ आपको R2 और R2 के साथ आपको कॉस्ट पे करनी चाहिए। ये आइडियल कॉम्बिनेशन बनता है आपका शायान। तो कोई मसला नहीं है कि 4 महीने भी हैं, तो अगर आप गौर करेंगे तो 5 महीनों में से आपने पढ़ा वही 2 ढाई महीने ही हो, तो अभी भी 4 महीने बहुत बड़ा एक मार्जिन है, आप उसको बहुत आसानी से कवर अप कर सकते हैं। सर काफी टाइम से फेल हो रहे हैं, रिशा काफी टाइम से फेल हो रहे हैं, दिल भी नहीं करता पढ़ने का, जॉब स्टार्ट करने का सोच रही हूँ ताकि माइंड चेंज हो, 5 रहते हैं, सीए फर्म ज्वाइन कर लूँ, सीए फर्म नहीं देखेगी अनलेस आपके पास बैचलर्स ना हो। और एक तरफ आप जॉब की बात कर रही हैं, एक तरफ आप फर्म की बात कर रही हैं, तो फर्म तो जॉब नहीं है ना, फर्म तो एक आर्टिकल्स वाली दुनिया है जो कि आपको पैसे बहुत ही कम देगी। तो मेरा मशवरा ये है कि आप डिसअपॉइंट ज्यादा हो गई हैं, 2 अटेम्प्ट में तो और देकर देखें निकल जाएगा, नहीं तो फिर आप किसी और तरफ मूव कर लीजिएगा, मगर मेरे कहने पे एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट शुड बी देयर। सर सीलो और R1 में कोई चेंज आई है? कोई चेंज नहीं है सीलो में और R1 में। जी उमर भाई, पोस्ट बैचेस 6 तारीख से स्टार्ट होंगे। उमर खुर्शीद, सर FA1 थर्ड टाइम फेल हो चुका है, समझ नहीं आ रहा क्यों पास नहीं हो रहा, इसका तो मैंने आपको आंसर ऊपर कर दिया FA1 वाला। एमन जवाब, सर मेरी एक अटेम्प्ट तो जाया हो गई है, अब मैं अटेम्प्ट में क्या FA1 CM में सीधा दूंगी। जी अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप कर लें अटेम्प्ट। अहमद रजा, सर मैक्स पेपर 1 कैन कैरी 4, मैक्सिमम आप 4 पेपर उठा सकते हैं, उससे ज्यादा अलाउ नहीं है, पहले 5 तक होता था मगर अब आईकैप ने इसको 4 को तकरीबन लिमिट कर दिया। असद अब्बास, सर अस्सलाम वालेकुम, सर उम्मीद है कि आप करियर से होंगे, मेरा FTE 39 है और ये मेरी चौथी अटेम्प्ट थी, मेरा सिर्फ B.Law टेक्स पास हुआ है, अभी R1 दूसरी तरफ फेल हुआ है, पहला 19 अब 29 और सी लॉ पहला 45। यार ये शो कर रहा है कि आप थ्योरी में अच्छे हो, न्यूमेरिकल पे मार खा रहे। असद भाई आप ना न्यूमेरिकल में बहुत पीछे जा रहे हैं, तो आपको न्यूमेरिकल के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि तो आपके थ्योरी में फिर भी मार्क्स आ जाते हैं, मतलब तो वो फेल हुआ है मगर 45 पे जाके फेल हुआ, इसका 229 जमीन आसमान का फर्क है। तो अकाउंटिंग रिपोर्टिंग के अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग करके डेवलप करके प्रैक्टिस के ऊपर आप मैक्सिमम अपना फोकस करें, निकल जाएगा पेपर आपका इंशाल्लाह। ले जनाब, मैंने 2:59 तक के सारे सवालों को आंसर कर दिया और अब मैं 3 बजे से ऑनवर्ड सवालों को देके चलता हूँ। हर वो बच्चा जिसने 3 बजे के बाद कमेंट किया है या क्वेश्चन पूछा है, अब उसके आंसर होंगे। क्या मैं पानी पी सकता हूँ? ओके राइट, सर ग्रुप ए सारा पास हो गया है, ग्रुप बी के 2 फेल हुए हैं, बताएं मैं क्या करूं। ग्रुप ए सारा पास है, 2 फेल हो गए ग्रुप बी के, तो आप ग्रुप बी के जो 2 फेल हुए हैं वो उठाएं और उसके साथ एक पेपर कंबाइन कर लें, 2 कंबाइन ना कीजिएगा क्योंकि अभी आप फेल करके हैं। ठीक है सर, मैंने FA1 CMA सीधा दूंगी, प्लीज टेल मी शुड आई स्टडी। जी यमन, आपको स्टडी तो करनी ही पड़ेगी और उसके साथ साथ आपको टेस्टिंग के अंदर भी अच्छा खासा काम करना पड़ेगा। 4 सब्जेक्ट्स हुजैफा मसूद, 4 सब्जेक्ट सीधा CMA टेक्स FA1 का स्केड्यूल बता दे अगर कोई रखा तो। ठीक है सब कुछ है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको स्केड्यूल फॉरवर्ड कर दूंगा। टेस्ट सेशन के जितने भी स्केड्यूल्स हैं वो 4 महीने के बाद हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके डालना शुरू कर देंगे, तो शुरू वो स्टार्ट होगा 20 मई से और पोस्ट बैच शुरू हो रहा है 6 मई से। जी एमन ताहिर, सर मेरे 3 सब्जेक्ट्स FA1 FA2 पढ़ रही हूँ, तो क्या मुझे सीलो R1 और CMA रख लेने चाहिए? सीलो R1 CMA कम्बिनेशन बुरा नहीं है, आप कर सकते हो अगर आप कर सकते हो, तो अदरवाइज
इस तीन को दो पे लाया जा सकता है। आप सीएम में या सीरो में से कोई एक ड्रॉप कर सकते हो अगर करना है तो। जी रईस बलोच, सर लास्ट अटेम्प्ट में मेरा बिलो 39 पे फेल हुआ था, 43, 39, 17 सजेस्ट करते हैं। रईस भाई कोई नया पेपर पिक करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं दो के ऊपर मजीद अपना हाथ साफ करें। आपका रिजल्ट ये शो कर रहा है कि आप अभी न्यू पेपर पिक करने की पोजीशन में ही नहीं है, क्योंकि आप अपने साथियों के साथ ही इंसाफ नहीं कर पा रहे, मार्क्स बहुत ही कम है। सर बिलो टेक्स फेल R1 पास, तो उसके साथ क्या करना चाहिए, सीएमए पिक कर लें या सीलो पिक कर लें? एहसान सीएमए या सीलो? जी दानिश, दानिश शहजाद, सर FR1 और CMA को डेली कितना टाइम देना चाहिए? 1.5 से 2 घंटा। आतिका आफ्ताब, जी आतिका आफ्ताब को देखते हैं। सर मैंने तीन पेपर्स दिए थे और मेरे तीनों पेपर 75 मार्क्स से ज्यादा नहीं हो पाए थे, हालांकि मुझे बाकी भी आता था। असद वजह से तीनों पेपर रह गए, सिर्फ टाइम लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो आप अब्दुल्ला सिद्दीकी। तो चूंकि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स कि आपने पीछे कोई इसके ऊपर काम भी नहीं किया, कोई प्रैक्टिस नहीं की। अगर की होती तो फिर ये इशू भी आप फेस ना करते। तो अगेन आई वुड रिकमेंड आप टेस्टिंग की तरफ ही अपना हाथ साफ करें। सर ग्रुप वन का स्केड्यूल आप व्हाट्सएप कीजिएगा, 4 मई के आसपास आपको स्केड्यूल शेयर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी अलीना, आप एक दफा मैनेजमेंट से कंफर्म कर लें, क्योंकि अब वो सवाल मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि सवाल नहीं है, कमेंट्स और फीडबैक ज्यादा है। तो वो अगर थैंक यू मैसेज पढ़ लो सुनाऊंगा तो आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं होता। तो मैं फिलहाल मैनेज करता जा रहा हूँ, और जो काम की बात मुझे नजर आ रही है, जो काम का सवाल है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सर FR2 का पोस्ट बैच कब स्टार्ट होगा? अच्छा, अगर किसी रेलिवेंट टीचर का पोस्ट बैच कब स्टार्ट होगा वाला सवाल है, तो वो काइंडली कॉलेज की इंतजामिया से पूछे। मैं आपको एक जनरल बात बता देता हूँ, 6 तारीख से पोस्ट बैच शुरू हो रहा है SBI के अंदर, CMADC में और नियर में, 6 तारीख। जी रईस आपका आंसर तो मैंने कर दिया है ऊपर। नहीं उमेर, संडे शायद, शायद जी जी असद दबास होता है, बिल्कुल होता है, SBI में ओनली डिसीजन होता है। जी अहमद हसीब कुछ कहना चाह रहे हैं, अब सवाल कम है मेरे पास और फीडबैक्स और इस तरह की चीजें जरा ज्यादा शो हो रही हैं। सर मेरा FR1 FR2 और ऑडिट रहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? FR1 मेरा फेल हुआ है 44 पे, तो मुझे क्या करना चाहिए? अब आपको FR2 ड्रॉप कर देनी चाहिए क्योंकि FR1 आपका फेल हो चुका है। ऑडिट और FR1 पिक कर लें अहमद जी। तो जैसा मसूद कह रहे सर 4 सब्जेक्ट सीलो FR1 टेक CMA का टाइम टेबल बता दें। ये टाइम टेबल आपको मिल जाएगा 4 तारीख के बाद, जो टाइम टेबल आपको टेस्ट सेशन वाला मिलेगा आप उसी को ढाल के उसी के मुताबिक तैयारी शुरू कर सकते हैं। अच्छा जी
जी कमिंग बैक टू लाइफ, कमिंग बैक टू लाइफ, आवाज मेरी आपको क्लियर होनी चाहिए अब जी। ओके इमन जवाद सर, प्लीज रिप्लाई कर दे। सर मैंने फास्ट ट्रैक में सीला लिया था, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और मुझे पेपर में सबसे बड़ा इशू पेपर अटेम्प्ट करने में आया था। हेमंत डेसिश, आपकी जितनी भी कहानी आप पहले कर गए हैं, टाइम मैनेज नहीं हुआ, आप खुद भी कह रहे हो कि मुझे टेस्ट देने हैं, तो फिर टेस्ट सेशन आप रब्ता कर लें और आपको मिल जाएगा। सर CMA 41 R143 C Law 36 अब ऑर्डर कर लूं? नहीं, ऑलरेडी आपके पास बहुत बर्डन पीछे से चला आ रहा है, तो उसमें ऑर्डर भी साथ पे करना ये अच्छी बात नहीं है। सर क्या सीए में ज्यादा डिफिकल्ट है R1 से? ये आपकी अपनी सोच की बात, किसी को सीए में ज्यादा पसंद आता है, किसी को R1 पसंद है, क्योंकि देखिए दो डिफरेंट पेपर्स है। CMA इज नॉट बेस्ड अपॉन एनी स्टैंडर्ड्स, इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, वेर एज R1 में रूल्स डिफाइंड है। तो ये हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, इसके ऊपर कोई इफ एंड बट नहीं। सर बी लॉ अब्बास शायद पूछ रहे हैं, सर बी लॉ लास्ट टाइम 40 अटेम्प्टेड 70%, दिस टाइम 33 अटेम्प्टेड 90%, लक है आपकी भाई 70% अटेम्प्ट। अच्छा कभी कभी बताओ क्या होता है, आई कैप में ना एक टेंडेंसी ये भी देखी जाती है कि आई कैप का फोकस होता है बच्चे को पुश करके पास करवाना, कभी कभी ग्रेस मार्क्स से भी आपको नवाजा जा रहा होता है, तो शायद इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है। जी हमजा शीमा, सर मैंने FA 1 और बी लॉ पास हो गया, सर अगले में सीए में टैक्स के साथ सी लॉ लूं या R2? FA 1 आपने पास कर दी है, आइडियली तो आपको सी लॉ पे करना चाहिए, बट अगर आपको लगता है कि नहीं R2 से काम चल सकता है, और अगर आप जरा इसमें हैवी जाना चाह रहे हो तो R2, अगर आप लाइट रखना चाह रहे हो तो फिर सी लॉ। तो होपफुली हमजा शीमा भाई को मेरी बात समझ आ गई होगी। रुबा सर CMA 41 R143 सी लॉ भी लास्ट 36 पे अब ऑडिट पर कर लूं? नहीं, इसका आंसर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। नहीं नहीं रुबास नहीं, आप ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा परेशान हो। जी सुग्रह अर्शद, सर जी मैंने तो दो सब्जेक्ट थे बी लॉ और R1, जिसमें से एक दिया था बी लॉ वो रह गया है, चार मैनेज कर देखें, दो दिए हैं मुश्किल से, अगर एक पेपर पास हुआ है तो आप चार कैसे हैंडल कर सकते हो? मुझे आज तक सीए के बच्चों से ये गिला रहेगा कि भाई अगर दो दे के दो नहीं निकाल पाए तो एकदम से कौन सी ताकत मिल गई है, कौन से सुपरमैन आप बन गए कि आप चार की तरफ जाना चाह रहे हैं? तो ये ज्यादा आप लोग खुद पे तारी करते हैं, ये आप लोग फील कर जाते हैं कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ। कुछ टाइम के बाद जब ये खुमार उतरेगा तो ऑलरेडी आपको एहसास होना शुरू होगा कि नहीं यार ये पॉसिबल नहीं है। देखिए हमें फायदा है, मैं आपसे कहूँ हाँ हाँ चार पे कर लो, तो आप शायद मेरी बात सुन के चार पे एनरोलमेंट भी करा दें, मगर मैं क्यों कहूँ आप, मैं क्यों खुद के साथ और आपके साथ गलत बयानी करूँ? कमला नवीद सर ऑडिट 41 C Law 36 FA R141 CMA 33, नहीं समझ आ रही क्या करूं, व्हाट शुड आई डू? पहली बात तो ये कि आप अपने पेपर कम करें, अगर आपको लग रहा है कि आपके पेपर पीछे से पास नहीं होते आ रहे हैं तो फिर आपने क्यों सी लॉ भी उठा लिया, ऑडिट भी पिक कर लिया, क्यों ज्यादती कर रहे हैं खुद पे? आपको लगता है कि जब दो पेपर पिछली दफा पास नहीं हुए हैं और तीन अटेम्प्ट से पास नहीं हो पा रहे तो आप दो मजीद ऐड करके बैठ गए, तुक्का लग गया तो चारों में पास हो जाऊंगा? ऐसा नहीं होता मेरे भाई, पहले उन दो को पास करें या उन तीन को पास करें, या तीन पिक कर सकते हैं, उन तीन को पास करें जो कि आप वाकई में टाइम इंजीनियर निकाल सकते हैं। जी अच्छा ये सवाल के साथ किससे क्लासेस लें और ये और वो, चूंकि ये पब्लिक सेशन है तो मैं उस वे से नहीं बता पाऊंगा, नीचे नंबर मेंशन हुआ है, आप उस नंबर पर रब्ता करके अलग से अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सर 4 साल वाले डिमांड अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है।
अच्छी बात भी है और अभी तक है भी। जी यहाँ पे मेरे पास तो अब कोई क्वेश्चन आंसर होने के लिए नहीं है, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे बार बार, जो एक तरह के थे वो मैंने नहीं पढ़े। जी अब जरा मुझे बताइए, किसी का कोई सवाल अगर रह गया हो। सर मेरा आर टू और टेक्स रह गया है, इस दफा मेरा आर वन सी एम ए बी लॉ पास है, तो क्या उठाऊं? माफ भाई आप सी लॉ पिक कर लें इसके साथ। जी जी माज, आप ही को कह रहा हूँ, सी लॉ पिक कर लें। अच्छा एक माज है और एक मॉज है। मॉज भाई अगर आप अपना सवाल दोबारा से टाइप कर दें, क्योंकि वो कहीं खो गया। जी मॉज, उसके बाद जुहेर, आप दोनों अपना अपना क्वेश्चन देखने के बाद दोबारा से टाइप कीजिएगा, क्योंकि वो खो चुका है। मॉज का सवाल आ गया है। सवाल ये है, मॉस का, कि मुझे बताए, तीन पेंडिंग है, ऑडिट एम एफ सी लॉ, ऑडिट 44 पर उड़ा है, फर्स्ट टाइम पढ़ा था डैश टीचर से, क्या करूं, सजेस्टेड कर दें। मॉस उनका पोस्ट बैच नहीं आ रहा है, उनका पोस्ट बैच नहीं आ रहा है, और 44 इज समथिंग जो कि प्रैक्टिस से रिजॉल्व हो जाएगा इशू आपका। तो आई वुड सजेस्ट अ गुड हैवी टेस्टिंग सिस्टम फॉर यू नॉट टू टेक क्लासेस अगेन। ऑल्दो फायदा मुझे ही होगा, मगर मुझे इस तरह का फायदा नहीं चाहिए। अच्छा जी अब्दुल राफे, नहीं राफे फिर आप अपने पेपर खराब कर दोगे। अगर आपको फॉर्म कह रही है कि नहीं आप अलाउ करें कंटिन्यू करें, तो आपके पेपर खा जाएंगे, वो फिर पेपर निकालना बहुत मुश्किल होगा विद जॉब, तो कॉम्प्रोमाइज करोगे फिर अपने आप को बेटा। जी मिया हमजा, यू हैव अ क्वेश्चन, तो भाई पूछ ले। अबास शाहिद, सर थर्ड अटेम्प्ट आर वन 36 बी लॉ 33 सी एम ए 33 आर वन में बी लॉ अटेम्प्टेड 85% टू 90%, ऑल्दो आई वाज स्टडीइंग सीरियसली इन लास्ट 2 months ऑफ स्प्रिंग एंड नाउ प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स टू क्विट सीए, आई हैव स्टडीड टेक्स्ट फॉलोड ऑल क्लासेस एंड टेस्ट आफ्टर मार्च। पेरेंट्स को समझाएं कि एकदम से क्विटिंग की तरफ ना जाएं, थोड़ा सा उनको गाइड करें, नहीं समझ आते तो कॉलेज ले आए, हम बात कर लेते हैं उनके साथ, और कोशिश करें कि जो भी आपने पिक किए हुए हैं उन्हीं के साथ स्टिक करें, मजीद प्लस माइनस ना करें। जी मौज का सवाल हो गया। मुसव्वर खान, सर मेरा आर वन टैक्स बी लॉ पास है, पिछली बार पोस्ट में उठाए थे, इस बार मैंने आर टू सी लॉ ऑलरेडी लिए हुए हैं, कॉस्ट का इरादा बन रहा है, उठाऊं या ना उठाऊं? क्या नाम है मुसविर भाई, कॉस्ट थोड़ा सा टफ हो सकता है रिमेनिंग टाइम में शुरू से पिक करना, बट अगर आपके पास टाइम है और आपका आर टू अच्छे स्पीड पर जा रहा है तो आप कॉस्ट पिक करें। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं दो के साथ खुश हूं, तो फिर वो खुशी बरकरार रखें, फिर ना। सर री चेकिंग का फायदा होता है 2-3 नंबर का? एक नंबर का भी फायदा नहीं होता मेरे भाई, मुझे बताइएगा नदीम भाई किसी का अगर फायदा हुआ तो आज तक। और अगेन री चेकिंग नहीं है, ये री काउंटिंग। लाल शेर सैफी, सर बी लॉ और टेक्स की फर्स्ट अटेम्प्ट थे और दोनों 39-36 रह गए हैं, सीएम में आगन उठाया था, इस हिसाब से कि दोनों पास हो जाएंगे तो साथ पे कर लूंगा। जी, उनको फ्रीज करवा लें, और जो दो फेल हुए हैं क्योंकि 40 से कम पे फेल हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, तो वो दो ही बहुत है आपके लिए। जी मोहम्मद अब्दुल्ला, 3:31 उनका सवाल आया था। सवाल ये है कि सर ब्रीफ आंसर कर दें, आर वन सी एम ए को कंटिन्यू रखा जाए और जो दो बी लॉ टैक्स फेल हो गए हैं उनमें से कोई एक उठा दिया जाए। नहीं, आप बी लॉ टैक्स जो फेल हुए हैं वो लाजमी उठाएं और आर वन सी एम ए में से आर वन पिक कर लें, रिलेटिवली आसान एज कम्पेयर टू कॉस्ट, बट अगर आपको कॉस्ट ज्यादा पसंद है तो यू कैन स्विच ओवर। जुहेर,
सर मेरा F1 टैक्स बी लॉ रुका है, फर्स्ट अटेम्प्ट अब सोच रहा हूँ दो दो करके निकालूं। बड़ी अच्छी अप्रोच है, अच्छी है ये, बहुत अच्छी अप्रोच है कि दो दो करके निकालें। क्यों? आपको पता है कि आपके पास कैपेसिटी कितनी है, ये बहुत जरूरी होता है अपनी कैपेसिटी को जज करके चलना। अच्छा इसमें मैं कुछ नाम लूंगा, अगर आप लोग काइंडली एक ही मैसेज में अपनी सारी बात लिख दें, क्योंकि ना आपके मैसेजेस टूट टूट के आते हैं, ये व्हाट्सएप की तरह नहीं है कि एक सारा नाम और सारे मैसेज इकट्ठे आ रहे हैं। मैं कुछ नाम लूंगा, आतिका मास, मुआज और मोइज, काइंडली आप अपने मैसेजेस को एक सिंगल कॉन्टेक्स्ट में लिख के भेजें। आप लोगों ने तोड़ तोड़ के लिखा है, तो किसी का ऊपर है, किसी का नीचे, किसी का बहुत नीचे है, तो इस तरह फिर रीड नहीं हो पाएगा। तो काइंडली वन गो में इसको जरा कंबाइन करके भेजिएगा। जी गुलाम मुस्तफा सर, मैंने फर्स्ट टाइम R2 सीलो MFA दिया है, तीनों फेल हो गए हैं, अब क्या करूं? तीनों दोबारा दें, चौथा नहीं अटेम्प्ट करना, चौथा नहीं ऑप्ट करना, जो तीन दे के फेल कर बैठे हैं उन्हीं को दोबारा से अटेम्प्ट करना। सर अगर 1.5 की जगह 2 साल में कैप क्वालिफाई हो जाए, इमन दाई पूछे तो क्या मसला है? कोई मसला नहीं, आप 3 में कर लें, आप 4 में कर लें, फर्म को उससे कोई खास वो नहीं होता। हाँ FTS थोड़ा सा खराब हो जाएगा, मगर यकीन मानिए आर्टिकल्स मिल जाते हैं। सिर्फ हमारी ख्वाहिश होती है कि टॉप 10 टॉप 20 फर्म में बहुत ज्यादा है, बच्चे कम है, फर्म करने वाले इंडस्ट्रीज आजकल बहुत ज्यादा आ गई, तो आर्टिकल्स तो मिल जाएंगे आपको। जी आतिका सर, FA1 टेस्ट दिया था, दोनों फेल हो गए हैं, अब CMA और सीबा पढ़ रही हूँ, अब 4 पेपर इकट्ठे दिए दे दूं, क्योंकि R1 और टेक्स पेपर पहले भी पढ़े हुए हैं। इफ यू कैन हैंडल इट, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको लगता है कि चारों आप निकाल सकते हो तो जरूर, बट अगर हल्का सा भी डाउट है तो फिर 3 पे वापस आ जाए। मौज सर मेरी ऑडिट की तैयारी 100% नहीं थी, क्योंकि पेपर में 23 वाला 5 सितंबर का भूल गया था, रट्टे वाला भी परेशान कर रहा था। MFA सीडॉ के 10 लेक्चर पेंडिंग है, बस तो यही होगा। आपको चाहिए कि आप एक काम करें, आप अपने कॉलेज से कहें कि मुझे प्री से उठा के पोस्ट में कन्वर्ट कर दे, शर्त यह है कि वो डेडिकेटेड पोस्ट होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो पिछला बैकलॉग है वो खत्म हो जाएगा और आप एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। एमन आप छोड़ दें, FTS क्या होता है? ये बेसिकली एक नंबर होता है जो कि फुल टाइम स्टूडेंट को मिलता है, फर्म्स उसकी बेस के ऊपर कभी कभी कहती है कि हमें FTS XYZ तक के बच्चे चाहिए, आगे चाहिए, कम चाहिए। अभी इस पंगे में ना जाएं, पेपर के ऊपर फोकस रखें। जी हमजा भाई बड़ा अच्छा सवाल आया है, मैंने सुना है सीनियर से कि R2 पहले पास करो ऑडिट से, ये वो। पहले हम भी कहते थे, मेरी अपनी जाती वीडियो भी मौजूद है जिसमें मैंने कहा है कि भाई R2 पास किया बगैर ऑडिट में ना आया करो, बट अब डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, अब आई के अपनी जो रिस्ट्रिक्शन लगा दी है R1 R2 की, तो ना चाहते भी बच्चे को ऑडिट पहले पिक करना पड़ रहा है R1 के साथ, या R1 पास किया होगा R1 के साथ पेपर लेके जा रहा होगा। तो अब टीचर्स खुद भी क्लासेस के अंदर उस तरह की प्रैक्टिस करवाना शुरू हो गए हैं, मैं तो करवाता हूँ, बाकियों का मैं कुछ कह नहीं सकता। तो आज की डेट में एज ऑफ नाउ इफ यू टॉकिंग अबाउट मी, तो वो प्रैक्टिस क्लास में हो जाती है, बाकियों के बारे में अल्लाह का तो। मिया हमजा आपका सवाल कहाँ है? मिल गया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? मेरे पास अटेम्प्ट से टैक्स रखा था बट लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से पास नहीं हुआ, अब मैंने 3 सब्जेक्ट्स रखे हैं R1 B-Law और टैक्स, अभी तक स्टार्ट नहीं किए, क्या हद से स्टार्ट कर दूं? हमजा भाई आपको भी यही कहूंगा, कॉलेज से बोलेंगे अब आपको प्री से उठा के पोस्ट में डाल,
सिंपल, क्योंकि अगर आप आज से स्टार्ट करेंगे तो आप पीछे से आएंगे, तो उससे बेहतर है कि आप एक पोस्ट बैच ज्वाइन करें जो कि वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहां से आपने स्टार्ट करना है एक्चुअली में। तो मी हमजा भाई, मैंने आपका आंसर दे दिया है। जी ऐसा कोशिश करें कि इस वक्त इंडस्ट्री और आर्टिकल्स वाला सवाल ना करें, क्योंकि फिर आपके ये सवाल बाकियों का टाइम जाया करेंगे। तो इंडस्ट्री आर्टिकल्स के ऊपर एक अलग से बहुत सारे सेशन हम लोग करते हैं, मजीद भी करेंगे, तो अभी हमारा टारगेट वो नहीं है। तो मैं उस तरह किसी भी सवाल को आंसर नहीं कर रहा। जी 3:40 से ऊपर मुझे बताइए कोई सवाल, यहां तक तो मैंने सारे आंसर कर दिए। 3:40 अब हो चुके हैं, तो इससे ऊपर अगर कोई भी सवाल है तो मुझे बताइए। यहां तक मेजोरिटी आई कैन से 90% आंसर। जी गुलाम मुस्तफा भाई, सर मुझे कैफ में ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए हैं इंक्लूडिंग स्प्रिंग अटेम्प्ट, R2 MFA सील और फेल। अगर इस नहीं आपको ना गुलाम भाई सजेशन यही होगी कि चूंकि 2.5 साल आप ऑलरेडी गुजार चुके हैं, एक दफा अपने पेरेंट्स को बिठाएं और उनसे बात करें, उनको समझाएं कि 2.5 साल में मैं कुछ नहीं उखाड़ पाया, गलतियां हैं। अब आई डोंट नो कि आपका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कितने मार्क्स वगैरह थे, पेपर कौन से थे, मगर यहाँ पे पेरेंट्स को साथ बिठा के उनसे मशवरा लेने की शदीद जरूरत। अब्दुल्ला उमर, अब्दुल्ला उमर जी, अब्दुल्ला उमर सर, सर R2 1 CLAW दिए थे, 42-47 पर रह गए हैं, अभी ग्रुप भी पूरा पड़ा है, R2 CLAW दिया है, बस ये दो ही दोबारा दें, या आपका अगर CMA पास है तो फिर आप MFA ऑप्ट कर सकते हैं, मगर मेरा ख्याल से R2 का CLAW काफी है फॉर द टाइम, ये बहुत है। अच्छा जी असमा जुल्फकार सर, सवाल कोई नहीं है। मास ताहिर सर मेरा, सर मेरा मास ताहिर आप कहाँ ही है। सर मैं ऑडिट सोच रहा हूँ R2 टैक्स के साथ, क्योंकि ऑडिट में लेटेस्ट पढ़ रहा हूँ R2। ठीक है, अच्छी सोच है, यू कैन गो विद दैट, समझ आ गया आपकी बात मुझे, यू कैन गो विद दैट। अच्छा जी सर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है घर पे बताने के, 3 पेपर रखे हुए हैं, कैसे बताऊं। रुहेल भाई इसमें बताना तो पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात तो ये कि आप पेरेंट्स को बताएं, बट अगर आपको लगता है कि ना बता के आप अगली दफा पेपर पास कर जाएंगे, और फिर खुशी से अगर आप कहेंगे कि हाँ जी पास हो गए हैं, वो ये न्यूज लेके जाएंगे, तो फिर अगर होल्ड कर सकते हैं जमीर के साथ और होल्ड करने, अदरवाइज मैं जरूर आपसे कहूंगा कि दफा उनको बैठा के डिस्कस कर लिया जाए, वो ज्यादा बेहतर। जी, एवन हम अवेलेबल होंगे कल, फुल डे कैंपस में ही होंगे, आज भी ये एक सेशन कैंपस से ही हो रहा है, हम तो आज भी कैंपस में हैं, कल भी होंगे। कल असल में क्लासेस कोई प्लान नहीं है, तो आप कल 9 से लेके 6 बजे तक कैंपस में आके कोई भी सवाल कर सकते हैं। जी लाइव क्लासेस के बारे में एक सवाल आया है, लाइव बैच के बारे में अजीम भाई का, तो अजीम भाई ये CMADZ की इंतजामिया से एक दफा कंफर्म कर दीजिएगा। एहतिशाम शफीक सर मैंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं और मेरा बस B-Law पास हुआ है, टेक 3 दफा फेल हुआ है, और इस दफा 45 पे फेल हुआ है, R1 2 दफा फेल हुआ है, CMA भी 2 दफा फेल हुआ है, काफी बुरी हिस्ट्री है यार आपका, जो कि बीजा पास है, तो आप एक काम करें, आप 2 पेपर देकर देखें, टैक्स और आलमा, बस 3 ना उठाएं, क्योंकि नंबर्स ये शो कर रहे हैं कि आप 3 को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आपको R1 और टैक्स उठा के एक दफा एक आखिरी ट्राई लेके देखें कि
कि आप 2 के साथ कंफर्टेबल है ही नहीं, क्योंकि नंबर ये बता रहे हैं कि आप कंटेंट वाइज भी बहुत पीछे हैं और आप मार्क्स वाइज मतलब प्रैक्टिस वाइज भी आप पीछे जा रहे हैं। जी स्टिल इफ एनी क्वेश्चन इज लेफ्ट तो मुझे बताइए, बल्कि लिखिएगा, डोंट से कि सर मेरा रह गया मेरा रह गया, मैं ढूंढ नहीं सकता आपके नाम के साथ, तो काइंडली लिख के मुझे आप आपने बताया। इन द मीन टाइम मैं जरा मोबाइल भी अपना फ्लोर लू कि मोबाइल में क्या क्या चीजें चल रही हैं। जी सर मैंने इस दफा ऑडिट थर्ड अटेम्प्ट दिया लेकिन फेल हो गया, पहले बार 41 44 अब कम से ना आए। अरसलान भाई आप मेरे से मिले, आप कल कैंपस पहुंचे एट एनी कॉस्ट, 15 नंबर शॉकिंग है, आप आए कल, आपसे मुलाकात करने का मुझे बहुत ही शौक है। अब नाउ डोंट से कि आप लाहौर में नहीं है, अब जहां पे भी है लाहौर पहुंचे। अच्छा जी सर FL1 दो बार फेल हो चुका है, दोनों बार अच्छी प्रैक्टिस की थी, पास पेपर अटेम्प्ट किए थे लेकिन पेपर फिर फेल हो गया, अब समझ नहीं आ रहा इस बार FL1 को किस स्ट्रेटेजी से लेकर चलो। आते का एक दफा FL1 के टीचर को पकड़े, उनसे बात करें, डिस्कस करें व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी जिसके लिए कल आपको आना पड़ेगा कैंपस में। अब अगेन अगर आपको स्पेसिफिक टीचर वाइज गाइडेंस चाहिए, R1 टैक्स, सी लॉ, बी लॉ, ऑडिट, MFA, तो उसके लिए फिर आपको कल एक दफा कैंपस लाजमी विजिट करें, कल कैंपस में आके बातचीत करें, हम लोग सारे हाजिर हैं और कोशिश यही होगी कि हर बच्चे की हर क्यूरी को अंडरस्टैंड करके डिटेल गाइड करके भेजा जाए ताकि मुतमईन जवाब दिया जा सके सामने बिठा। सर आप कल 8 बजे तक आ जाए, मैं आपको 8 बजे तक कैंपस में ही मिलूंगा। सर पेपर ही चेक करवा लूं? नहीं असलान भाई कुछ नहीं होने वाला, आई के आपने 15 नंबर पे चेक रीचेक भी नहीं करना, वो रीचेक नहीं वाली काउंटिंग होती बाय द वे, तो मैंने तो ये डिफरेंस नहीं बताया अभी तक चला। जी दानिश भट्ट कुछ कहना चाह रहे हैं, सर कैफेट उस फेल R1 28 CMA 25 Law 32 C Law 22, भाई पढ़े ये नंबर देख लें आप, 38 सॉरी 28 25 32 22, 3 नंबर 20s में, वो भी अर्ली 20s में, तो ये तो साफ साफ जाहिर कर रहा है कि आप बिना तैयारी के गए हैं, बिना प्रैक्टिस बिना तैयारी के बस कुछ क्लासेस पढ़ के आप पहुंच गए एग्जाम देने के लिए, तो फिर रिजल्ट तो यही बनता है दानिश भाई। तो अगर आप कल आ सके तो आके मिलिएगा, आपके ये मार्क्स भी इम्प्रूव करवाते हैं, आपको भी एक अच्छी खासी गाइडेंस की जरूरत है। ये इरदाम रिहाब आपका सवाल मुझे मिल गया है। सर FL1 की सब असाइनमेंट की और पॉसिबल्स भी, बट पास नहीं हुआ टैक्स और बी लॉ हो गया है, पोस्ट बैच से करूं FL1? जी बिल्कुल, पोस्ट बैच ही और एक ऑप्शन है और तो कोई ऑप्शन है नहीं। जी एज ऑफ नाउ मेरे एंड से तमाम क्वेश्चंस आंसर्ड है, स्टिल अगर कोई सवाल है तो मुझे बताइए। नहीं, ये रिव्यू नहीं होगा अरसलान भाई, ये कुछ नहीं होने वाला, कुछ हुआ है आपके पेपर में या तो
सही से स्कैन नहीं हो पाया, या आपने एक पेज पे सवाल किए हैं, या आपने रेफरेंस नहीं दिया क्वेश्चन नंबर का, या आप से सवाल ही गलत अटेम्प्ट हो। जी एज ऑफ नाउ। अच्छा स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नंबर पर रब्ता करके मेरे तक पहुंच सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, 03000067262। तो ये नंबर वैसे ही काफी ज्यादा आप जुबान ज्यादा आम है, तो आप इस नंबर पर रब्ता करके किसी भी टाइम अप्रोच कर सकते हैं। मैं स्केड्यूल से बाहर आके आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे आपने बस 48 आवर्स का टाइम दिया, क्योंकि इस वक्त जब यहाँ पे कोई 400+ बचा, इस वक्त लाइव अटेंडी मौजूद है, मेरा व्हाट्सएप इस वक्त 400+ मैसेज के ऊपर अलग से खड़ा, तो यहाँ से फ्री होके मुझे व्हाट्सएप भी खोल। तो आज की रात, कल की रात, कल का दिन तो हमारा अच्छी तरह निकल जाना है। तभी हमने इन 2 दिनों पे कोई क्लास ही नहीं प्लान की, कि हमें पता है कि बच्चे कितनी परेशानी में। और हमारा ये नहीं है कि हम आपको चलते फ्री बैच में बिठाएंगे, नहीं, पोस्ट इज समथिंग दिस डेडिकेटेड पोस्ट बैच। इसमें बच्चा बिल्कुल 0 से उठता है, क्योंकि अक्सर बच्चे प्री से पोस्ट में शिफ्ट हो रहे होते हैं, कुछ नए से स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, कुछ रिफ्रेशर्स होते हैं। तो माँ से भाई हम कहें कि भाई नहीं, ये सिर्फ उनके लिए है जो कि ऐसे हैं, ये सबके लिए होता। तो सेशन भी अब हमारा तकरीबन कोई 8 मिनट का रह गया है, मगर हमने इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस को हैंडल कर लिया जहां तक पॉसिबल था मेरे लिए हैंडल करना। तो थैंक यू की जरूरत नहीं है, ये फर्ज होता है। सिर्फ पास होने पे क्रेडिट लेना काफी नहीं होता, असल मजेदार बात है जब आप बच्चे के फेलियर के साथ खड़े हो, वो एक फील आता है। तो हार्डशिप्स हमने भी देखी है, हार्डशिप्स आप लोग देख रहे हैं, और हम भी मेरा गला रह गया, हम भी इन्हीं हार्डशिप्स से निकल के उभरे। तो हार्डशिप्स अगर नहीं है जिंदगी में, तो जिंदगी जीने का मजा ही नहीं। देर शुड बी समथिंग जिसके लिए आप स्ट्राइव करें। जी आप लोगों को खुली ऑफर है, आप कल कैंपस आए विजिट करें। हम लोग सुबह 9 बजे से लेकर, बल्कि मेरे केस में मैं सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बैठा हूँ। 12 घंटे में कैंपस में आपको मिलूंगा। किसी भी तरह का कोई भी सवाल, थ्योरी के पेपर से हो, न्यूमेरिकल हो, ओवरऑल हो, इंडक्शन वाला हो, आप कल आए मुझे पकड़ लें और मुझसे पूछ लें। और अगर स्टिल कोई आंसर नहीं हो पाया तो आप मुझे अलग से व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड आई होप कि मैंने आपके तमाम क्वेश्चंस को आंसर किया है। आई होप कि आपको सेशन से फायदा मिला है, एंड आई होप, एंड आई जेन्युइनली होप कि मुझे आप नेक्स्ट टाइम इस सेशन में बैठे नजर नहीं आएंगे। एंड आप यही बातें दूसरों को लाजमी गाइड भी कर रहे होंगे। तो स्टिल अगर मेरे से कोई सवाल मिस हो गया है, तो नंबर आपके पास आए है मेरा, ये मैंने स्क्रीन के ऊपर शो भी किया हुआ है, आप इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मगर जब आप व्हाट्सएप करें तो काइंडली 48 घंटे का टाइम फ्रेम माइंड में रखिएगा, जिसमें आपको आंसर आ रहा होगा। शायद आंसर उसी सेकेंड आ जाए, या शायद आंसर विद इन 48 आवर्स, विद इन 48 वर्किंग आवर्स आपके पास आ रहा हो। तो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, यकीन रखिए जो पेपर पास हुए हैं, जिन्होंने पास किए हैं, और जिन्होंने पास नहीं किए, दोनों ही, ना किसी को ज्यादा शोक होने की जरूरत है, ना किसी को ज्यादा गिरने की जरूरत है। एक मॉडरेट अप्रोच लेके चले, नहीं पास हुए कोई बात, नेक्स्ट टाइम हो जाएंगे, पास हो गए हैं कोई बात नहीं, उस पर इतना ही नहीं, फेलियर कभी भी किसी भी जिंदगी में आ सकता है। तो विद दैट आई विल टेक योर लीव, आपसे मुलाकात कल होगी और इंशाल्लाह होगी विद द बिलीव के अब आप सीरियस होकर कल विजिट करेंगे कैंपस को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।